शुरू कर लीजिए टीचर। हाँ, सभी प्रतिभागियों को फिर से स्वागत हमारे इस व्याख्यान माला की 35वीं कड़ी में, और सभी को सभी शुभकामनाओं के साथ हम इस ये जो कड़ी शुरू कर रही है, नाटक से संबंधित जो चर्चा जो है हमारे इस व्याख्यान माला में पहले की हुई है, लेकिन स्त्री मुक्ति के संबंध में, नाटक के संदर्भ में, स्त्री मुक्ति के संदर्भ में व्याख्यान देने के लिए आज हमारे बीच पधारे हैं श्री आशीष त्रिपाठी, जो एक कवि होने के साथ साथ आलोचक भी है और सबसे बढ़कर अध्यापक है, और साथ साथ अभिनय और नाट्य लेखन में रुचि रखने वाले हैं, और उनके कविताएं बेटी का हाथ जो तीन बाद मतलब तीन श्रेणियों में उन्होंने जो लिखा है, उसी में भी उन्होंने जो आजकल जो बहुत ही चर्चा का विषय जो बन गया है स्त्री मुक्ति और स्त्री शाक्तिकरण, और शक्ति होने के बाद भी आज भी मुक्ति के प्रसंग में या मुक्ति के संदर्भ में चर्चा करें तो हमें फिर से सोचना पड़ता है कि स्त्री सचमुच स्वतंत्र है या आजाद है। तो इन सब मुद्दों पर आज नाटक के संदर्भ में, हिंदी नाटक साहित्य के संदर्भ में व्याख्यान करने के लिए या व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ एक अध्यापक और आलोचक के रूप में और युवा कवि हमारे साथ मौजूद है, और इस व्याख्यान माला में भाग लेने आए सभी प्रतिभागियों को और साथ साथ हमारे विभाग अध्यक्ष और प्राचार्य जी का स्वागत करने के साथ साथ परम आदरणीय आशीष त्रिपाठी जी, आपका सहर्ष सादर हमारी इस व्याख्यान माला में स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमा जी क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आवाज आ रही है सर। जी बताएं। हाँ आवाज आ रही है लेकिन वीडियो ऑन नहीं है। जी जी ओके सर, अब बराबर। नमस्ते। क्या मुझे बोलना शुरू करना है? बातचीत शुरू कर लीजिए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले मैं राजकीय महिला महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम के हिंदी विभाग को और महाविद्यालय को इस व्याख्यान माला के लिए, जिसमें मैं आज यहाँ आप सबके बीच उपस्थित हूँ, बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस व्याख्यान माला में हिंदी के अनेक महत्वपूर्ण और जुझारू लेखक अब तक आ चुके हैं। मैंने देखा कि प्रोफेसर असगर वजाहत साहब, राजेश जोशी जी, अनामिका, सुधा अरोड़ा और से लेकर और बिल्कुल युवा साथियों तक, अनुज लुगुन तक, निर्मला पुतुल तक, लोग इस व्याख्यान माला में अब तक आए हैं। मुझे खुशी है कि राजकीय महिला महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम ने मुझे इस व्याख्यान माला का हिस्सा होने का गौरव प्रदान किया और अपने 35वें व्याख्यान में मुझे आमंत्रित किया। मैं इसके लिए महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अनिला जेएस, विभागाध्यक्ष डॉक्टर बिंदु वेलसार, इस व्याख्यान माला की संयोजिका डॉक्टर शबाना हबीब, जिन्होंने मुझसे बात की और मुझे आमंत्रित किया, और आज के इस आयोजन का संचालन कर रही डॉक्टर सुमा एस, सभी के प्रति अपना आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।
केरल मुझे बहुत ही प्रिय है, यहाँ तक प्रिय है कि मैं जब केरल जाता हूँ तो मैं समझता हूँ और मैं ऐसा कहता भी हूँ कि केरल मुझे अपने दूसरे घर की तरह मालूम पड़ता है। मैं नहीं मानता पुनर्जन्म को और ईश्वर पर भी मेरा भरोसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये मन करता है कहने को कि यदि कोई पुनर्जन्म होता हो, कोई सुनने वाला हो ईश्वर और वो पुनर्जन्म दे सके, तो मैं जरूर ये चाहूंगा कि मेरा दूसरा जन्म केरल में हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि केरल की प्रकृति मुझे प्रिय है और मैं वहां खुद को बहुत सुकून में अनुभव करता हूं, मेरे भीतर की रचनात्मकता बहुत समृद्ध होती है, बल्कि इसलिए भी कि मुझे ऐसा लगता है कि केरल का समाज एक बहुत ही उन्नत समाज है। केरल ने पिछले 70-80 वर्षों में जो संघर्ष किया है समाज की बेहतरी के लिए, सारे समाज ने मिलकर किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। और भारत में ही नहीं, मुझे लगता है पूरे एशिया में केरल ने अपने आप को एक बहुत ही स्वस्थ, प्रगतिशील, लोकतांत्रिक समाज के रूप में विकसित किया। इसलिए भी मैं इस समाज का हिस्सा बनना चाहता हूं और जब भी मुझे केरल से कोई आमंत्रण मिलता है तो मैं बिना किसी हिचक के अपनी सारी व्यस्तताओं को दरकिनार करते हुए केरल जाना चाहता हूं, जाता हूं। तो मुझे खुशी है कि उस इलाके में मैं कभी नहीं गया जिस इलाके से ये आमंत्रण मुझे मिला है, यानी त्रिवेंद्रम की तरफ। कालीकट और कोची के जो इलाके हैं उधर मैं कई बार गया हूं। एक पर्यटक की तरह तो मैं गया हूं त्रिवेंद्रम एकाधिक बार, लेकिन किसी गतिविधि में शामिल होने के लिए नहीं गया। तो आज मुझे और भी ज्यादा खुशी है कि इस तरह मुझे केरल के एक बचे हुए अछूते हिस्से में भी शामिल होने का मौका मिला है। आज हमने बातचीत के लिए जो विषय चुना है वो विषय दो पदों को लेकर बना है। पहला है समकालीन हिंदी नाटक और दूसरा है स्त्री मुक्ति का प्रश्न। दोनों पर अलग अलग बोलना आसान है। समकालीन हिंदी नाटक पर बोलना आसान है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं कहने के लिए, और स्त्री मुक्ति का प्रश्न, साहित्य में स्त्री मुक्ति का प्रश्न कैसे उठाया गया है, ये भी, इस पर भी बात करना शायद आसान है। पर जब हम दोनों को मिला देते हैं, समकालीन हिंदी नाटक में स्त्री मुक्ति के प्रश्न पर जब हम सोचना विचारना शुरू करते हैं, तो कई मुश्किलें, कई निराशाएं हमारे सामने पेश होती हैं, जिन पर मैं आगे बात करूंगा। इससे पहले कि मैं नाटक में स्त्री मुक्ति के प्रश्न पर आऊं, मैं चाहता हूं कि बहुत थोड़े ही शब्दों में मैं समकालीन हिंदी नाटक के बारे में अपनी कुछ बुनियादी राय, अपनी बुनियादी समझ आपके सामने रख दूं, ताकि मेरे लिए भी और आपके लिए भी आसान हो जाए कि जिन नाटकों पर मैं चर्चा करूंगा उन नाटकों को मैंने क्यों चुना है और उनके पीछे कौन कौन सी
नाटक की खूबियां काम कर रही हैं। मैं निजी तौर पर समकालीन साहित्य का प्रारंभ उत्तर आपातकाल से मानता हूं, यानी सामान्यतया मेरी धारणा है कि उत्तर आपातकालीन साहित्य समकालीन साहित्य है। और ये कहने के पीछे बहुत सारे तर्क हैं जिन्हें मैं आज विस्तार से नहीं कहूंगा, लेकिन दूसरे अवसरों पर मैं कहता रहा हूं। लेकिन नाटक और रंगमंच के सवाल पर विचार करने पर ये जो पोस्ट इमरजेंसी है इसे थोड़ा सा पीछे खिसकाता हूं, ज्यादा पीछे नहीं पर थोड़ा सा पीछे। और मैं समझता हूं कि 1973 से 1975 का जो वक्फा है, जो समय है, वो समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच की शुरुआत का समय है। यानी 1973 के बाद के हिंदी नाटक और रंगमंच को समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच कहा जा सकता है। क्या घटा है ऐसा कि मैं 1973, 74 और 75 को एक कट ऑफ लाइन, एक विभाजक रेखा और एक नए युग की शुरुआत मानता हूं? चूंकि बात नाटक और रंगमंच की है इसलिए कुछ ठोस ऐतिहासिक उदाहरण और कारण देकर मैं बात करना चाहता हूं। 1973 में हिंदी रंगमंच में और भारतीय रंगमंच में भी और हिंदी नाटक में कुछ बहुत महत्वपूर्ण और मानीखेज घटनाएं घटती हैं। भारतीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं के दो बड़े नाटककार, कन्नड़ के गिरीश कर्नाड और मराठी के विजय तेंदुलकर, 1972-73 में अपनी दो ऐसी रचनाएं लेकर आते हैं जिनसे मिलती जुलती रचनाएं हम 1973-74-75 में हिंदी में देखते हैं। और हिंदी में लिखी गई ये रचनाएं हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक बकरी और हबीब तनवीर के दो नाटक, एक नाटक छत्तीसगढ़ी में है मोर नाव दामाद गांव के नाव ससुरार, और दूसरा नाटक भी छत्तीसगढ़ी में है चरणदास चोर। और इन दोनों नाटकों के प्रदर्शन भी 1973-74 में होते हैं, हबीब तनवीर के दोनों नाटकों के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक बकरी जो 1973 में लिखा गया उसका भी प्रदर्शन 1974 में होता है, जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित एक युवा रंगकर्मी ज्योति देशपांडे दिल्ली में इसका प्रदर्शन करती है। मैंने बात की थी गिरीश कर्नाड और विजय तेंदुलकर की। विजय तेंदुलकर का नाटक प्रकाशित होता है और मराठी में खेला जाता है 1973 में, और ये नाटक है घासीराम कोतवाल। और गिरीश कर्नाड का नाटक है वदन, जो संभवतः 1972 में लिखा गया और 1972 में ही कन्नड़ में पहली बार खेला गया और 1973 में हिंदी में खेला गया। बीवी कारण जो कन्नड़ पृष्ठभूमि से आए हुए एक हिंदी निर्देशक थे, उन्होंने इसका अनुवाद किया, पहले कन्नड़ में और फिर हिंदी में इसकी प्रस्तुति की। है वदन, घासीराम कोतवाल, मोर नाव दामाद, गांव के राव ससुरार, बकरी और चरणदास चोर, ये पांच नाटक हैं जिनसे समकालीन भारतीय नाटक और समकालीन भारतीय रंगमंच और उनके तहत समकालीन हिंदी नाटक और समकालीन हिंदी रंगमंच की शुरुआत होती है।
ये पांचों नाटकों में एक सा क्या है, वो कौन सी नई बात है जिसे मैं रेखांकित कर रहा हूं या रेखांकित करना चाहता हूं। और वो है नाटक के भीतर और रंगमंच के भीतर, यानी नाट्य विधान जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में ड्रामेटर्जी जिसे कहते हैं, नाट्य प्रविधि, नाट्य शिल्प, नाट्य शास्त्र भी कह सकते हैं। और जो रंगमंच का विधान है, जो खेलने का तरीका है, वो दोनों ही भारतीय है, यानी जिसमें पश्चिम के तत्वों का कम से कम इस्तेमाल, यूरोप से आए हुए वे तत्व, वो शैलियां जो पिछले 100 साल से भारतीय रंगमंच पर और भारतीय नाटक में बहुत अधिक प्रभावशाली थी, उस पर बहुत लंबा बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वक्त नहीं है, मैं उस पर ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहता, मैं अपने मूल विषय पर जल्दी से जल्दी आना चाहता हूं। पर कितना गहरा प्रभाव था यूरोप से आई हुई रंगमंच की शैलियों का और नाटक की शैलियों का, कि न सिर्फ हमारा इलीट लिटरेचर, शिष्ट साहित्य प्रभावित हुआ, अंग्रेजी में, बांग्ला में, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, पहले समुद्री किनारों की भाषाओं में और फिर बाद में मध्य क्षेत्र की भाषाओं में। ये प्रभाव इतना गहरा था कि लोक रंगमंच तक उससे प्रभावित हुए यूरोप की शैलियों से। हमारा धार्मिक रंगमंच भी, वो जो शैलियां थी, जो मूलतः लोक शैलियां थी और जिनमें धर्म संबंधी बातें कही गई थी, जैसे हिंदी में रामलीला, रासलीला, वे शैलियां भी प्रभावित हुई। यूरोप का प्रभाव इतना गहरा था। इस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें औपनिवेशिक स्वामी यानी अंग्रेज की सांस्कृतिक रूप और सांस्कृतिक प्रविधियां भारतीय समाज पर और भारत के सांस्कृतिक रूपों पर छाती चली गई, इसे मैं निजी तौर पर सांस्कृतिक उपनिवेशन कहता हूं। और ये वो उस राजनैतिक आर्थिक उपनिवेशन का हिस्सा था जो राजनैतिक आर्थिक उपनिवेशन, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश 1857 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से भारत का हो रहा था। यानी भारतीय सिर्फ आर्थिक तौर पर और राजनैतिक तौर पर उपनिवेश नहीं बन रहे थे, बल्कि वे शैक्षिक तौर पर भी, ज्ञान की दुनिया में भी और सांस्कृतिक जगत में भी उपनिवेश बन रहे थे। और इस उपनिवेशीकरण का, यानी सांस्कृतिक उपनिवेशीकरण का प्रभाव इतना गहरा था कि न सिर्फ नए रूप साहित्य में प्रभावशाली हो रहे थे, बल्कि जो पहले से चले आते हुए हमारे शास्त्रीय या लोक रूप थे, वे भी बहुत गहराई से प्रभावित हुए। सिर्फ एक चीज है जो प्रभावित नहीं हुई, और वो चीज है भारत का शास्त्रीय संगीत और भारत का शास्त्रीय नृत्य। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल और कर्नाटक क्लासिकल और भारत की सभी नृत्य शैलियां, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी, ये सारी की उड़िया, ये सारी की सारी शैलियां लगभग अछूती बनी, लेकिन लोक शैलियों पर गहरे प्रभाव पड़े। यात्रा पर प्रभाव पड़ा, तमाशा पर प्रभाव पड़ा, हिंदी क्षेत्र के स्वांग पर, नौटंकी पर प्रभाव पड़ा, रामलीला पर प्रभाव पड़ा। ये प्रभाव बहुत गहरा था। यूरोप से आने वाली प्रविधियां जैसे कि यथार्थवाद इतना अधिक प्रभावशाली था कि लगभग हर भाषा में जो प्रमुख नाटक लिखे जा रहे थे वो यथार्थवादी शैली में लिखे जा रहे थे। केरल का वो मशहूर नाटक तोप्पल भासी का लिखा हुआ, मैं समझता हूं कि शायद वो 1948 का लिखा हुआ नाटक है, तुमने मुझे कम्युनिस्ट बनाया,
जब मैंने पहली बार पढ़ा आज से करीब 36 साल पहले, तो मुझे आभास हुआ कि केरल की और प्रगतिशील मार्क्सवादी कहे जाने वाले लेखकों पर भी यूरोप की नाट्य विधि का, नाट्य विधान का, यथार्थवाद का बहुत गहरा प्रभाव था। इस उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रतिरोध या इसके समानांतर एक नई तरह की कोशिश भी उसी जमाने में शुरू हुई जब ये उपनिवेशीकरण शुरू हुआ, यानी कि औपनिवेशिक युग में, और हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवती, और सबसे ज्यादा अंधेर नगरी के माध्यम से उन्होंने नाटक को यूरोप के यानी औपनिवेशिक स्वामी की शैली से न सिर्फ बचाया बल्कि एक उसको नया रूप दिया, मॉडर्नाइजेशन किया। कंटेंट के स्तर पर, कथ्य के स्तर पर भारतेंदु ने शिल्प तो उन्होंने पुराना लिया नौटंकी से, स्वांग से, इंदर सभा से, लेकिन उन्होंने कंटेंट बिल्कुल मॉडर्न लिया। और ये जो मॉडर्न कंटेंट था, तो आगे चलकर भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नाटक जिस नाटककार आया जिसने सांस्कृतिक व्युपनिवेशीकरण की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, वे थे रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्ला में। और फिर बाद में छटपट कोशिशें होती रहीं, इप्टा नाम की एक संस्था बनी 1943 में, जिसमें छोटे बड़े नाटक, दोनों तरह के नाटक लिखे गए, यथार्थवादी यूरोपीय शैलियों के नाटक भी और भारतीय शैलियों के नाटक भी। 1958 में हबीब तनवीर ने आगरा बाजार किया, और इस तरह से उन्होंने हिंदी में एक नई शुरुआत की, हिंदी उर्दू में। पर यह सारा का सारा सिलसिला बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा, अचानक आगे बढ़ा जब हम 1972-73 में पहुंचे, यानी कि भारतीय लोक शैलियों और भारतीय की शास्त्रीय शैलियों की तरफ मुंह किया हुआ एक ऐसा नाटक और एक ऐसा रंगमंच 1972-73 में उभरा जो सिर्फ शैली और शिल्प की नहीं बल्कि जो आंतरिक विधि है, जो इंटरनल जो उसकी रचना विधान है, उसके तत्व हैं, वो भी पूरी तरह भारतीय थी। है वदन, घासीराम कोतवाल, मोरनाव दामाद, चरणदास चोर और बकरी, ये पांचों नाटक कंटेंट की दृष्टि से बहुत आधुनिक है, समकालीन है, परंतु नाट्य विधि, नाट्य प्रविधि के, नाट्य संरचना के हिसाब से और रंगमंच की शैली के हिसाब से ये नितांत भारतीय पारंपरिक नाटक। इसलिए ये जो समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच है, उसकी सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका ज्यादा भारतीय होना है। मैं ये बात को बहुत गहराई से समझता हूं कि आज पूरी दुनिया में कोई भी देश, कोई भी मुल्क और कोई भी समाज अपनी परंपराओं को उस तरह संरक्षित नहीं कर सकता कि उन्हें बाकी से बिल्कुल अछूता छोड़ दे और एक तरह के कैदखाने में डाल दे। ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान, विज्ञान, सोच, विचार, जीवन जगत को देखने का नजरिया, ये सबका सब पूरी दुनिया में हो रही नई चीजों से जरूर संवाद करेगा, मेलजोल आपस में होगा, लेकिन इस मेलजोल की प्रक्रिया में हम अपने मूल को बचाए रखें, ऐसा कम होता है, ऐसा होना जरूरी है। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि नितांत भारतीय, मैंने कहा अधिकतम भारतीय। आज हमारे लिए यदि हम ग्लोबलाइजेशन से, भूमंडलीकरण से, एक नए तरह के उपनिवेशवाद और पूंजीवाद से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हमारे लिए एक ही रास्ता है कि हम ज्यादा भारतीय बने। और ये ज्यादा भारतीय बनने का जो मुहावरा है वो दक्षिणपंथी सांप्रदायिक और फासिस्ट संगठनों द्वारा प्रचारित की जा रही भारतीयता से उसका कोई अर्थ नहीं। ये भारतीयता वो है जो गांव में निवास करती है, जो हमारी लोक में, हमारी परंपराओं में निवास करती है और जीवित है। तो एक बिल्कुल नए तरह का नाटक भारतीय भाषाओं में, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, लिखा जाना शुरू हुआ। और हिंदी में बहुत सारे नाटककार और बहुत सारे रंग निर्देशक उभर कर आए, जिन्होंने 1972-73-74-75 के बाद
भारतीय रंग शैलियों में, लोक शैलियों में सांस्कृतिक उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का विरोध करते हुए और ज्यादा से ज्यादा खुद को भारतीय बनाते हुए नाटक लिखने और रंगमंच करने की कोशिश की। हबीब तनवीर, जो हिंदी के सबसे बड़े नाटककार और निर्देशक थे, जो इस प्रक्रिया के एक तरह से नेता थे, उनके साथ बीवी कारंत, एम के रैना, बंसी कौल, भानु भारती, के एन पणिक्कर मलयालम से आए, रतन कुमार थियम, अलख नंदन, सतीश आनंद से लेकर अभी जो काम कर रहे हैं हमारे निर्देशक संजय उपाध्याय तक, अब बिल्कुल युवाओं तक, अजय कुमार तक, रंगमंच में भारतीय तत्वों का बहुत अधिक बड़ी मात्रा में प्रवेश हुआ और भारतीयता का एक तरह का संरक्षण और मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। तो नाटक की दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे नाटककार उभर कर आए जिन्होंने गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर और हबीब तनवीर की, सर्वेश्वर की इस धारा को आगे बढ़ाया। इसमें भीष्म साहनी, कबीरा खड़ा बाजार में, मुद्रा राक्षस, आला अफसर, अलखनंदन, कई नाटक हैं, राजेश जोशी, कई नाटक, ऋषिकेश सुलभ, कई नाटक, त्रिपुरारी शर्मा, मोहन महर्षि, अविनाश चंद मिश्रा, अलग अलग तरीके से, जैसे कि नादिरा जहीर बब्बर भी जो हिंदी में नाटक करती हैं, जैसे सकुबाई या दयाशंकर की डायरी, उन नाटकों में भी उन भारतीय शैल तत्वों का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग है। लेकिन समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच में इस धारा के समानांतर एक दूसरी धारा भी निरंतर चलती रही, जो पश्चिमी विधान के नाटक को प्रमुख मानती थी या उनमें नाटक लिखती थी, और जिन्होंने महत्वपूर्ण नाटक लिखे, मैं उनकी अवमानना नहीं कर रहा। हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण नाटककार सुरेंद्र वर्मा ने, भीष्म साहनी ने, नंदकिशोर आचार्य ने, असगर वजाहत ने अपने बहुत सारे कई नाटक यथार्थवादी शैली में लिखे। असगर वजाहत का सबसे लोकप्रिय नाटक जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मया ही नहीं, स्वदेश दीपक का नाटक कोर्ट मार्शल, ये सारे के सारे नाटक मूलतः यथार्थवादी शैली में। तो यथार्थवादी शैली यानी जो पश्चिम से आई थी, जिसमें तोपल भासी का नाटक है, जिसमें विजय तेंदुलकर ने अपने लगभग सारे नाटक लिखे, गिरीश कर्नाड ने अपने बहुत सारे नाटक लिखे, वो धारा भी हिंदी में चलती रही। समकालीन हिंदी नाटक में कई तरह के प्रयोग 1973 से लेके अभी तक आपको होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें सबसे प्रमुख है यथार्थवादेतर रंगशिल्प का प्रभावशाली उपयोग। यानी एक तरफ यथार्थवादी धारा भी है, लेकिन यथार्थवाद से इतर धारा का भी बड़ा जबरदस्त उपयोग मिलता है। लोक रंग परंपराओं से, लोक की शैलियों से सीधा संवाद दिखाई देता है, और लोक शैलियों से अलग अलग लोक शैलियों से, जैसे केन पणिक्कर ने, या आज जो निर्देशक हैं केरल के महत्वपूर्ण निर्देशक चंद्र हासन, वो लोग जिस तरह अपनी लोक शैलियों में काम करते हैं, ठीक वैसे ही हिंदी के अनेक रंगकर्मी लोकशैलियों पर आधारित काम करते हैं और हिंदी ऐसे नाटकों का चुनाव करते हैं जो लोकशैलियों से सीधा संवाद करते हों। अभी हम जिन नाटकों की बात कर रहे हैं उन नाटकों के बारे में जब हम फोकस करके बात शुरू करेंगे तो हम इस बात को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। संस्कृत बोलियों का नाटक जो इस दौर की सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि हिंदी के साथ बोलियों का नाटक बहुत बड़ी मात्रा में लिखा गया, या हिंदी यदि हिंदी में नाटक लिखा जा रहा है यानी खड़ी बोली में, तो उसके साथ दूसरी बोलियों का भी इस्तेमाल उसी नाटक के भीतर किया गया। ये एक बहुत जबरदस्त एक प्रयोग था जो संस्कृत के जमाने में तो मिलता था, क्योंकि संस्कृत में संस्कृत के साथ प्राकृतों का उपयोग हमेशा होता रहा है। दलित और शूद्र और स्त्रियां हमेशा ही संस्कृत नाटकों में, यानी जो मालिक है, जो आर्य है, राजा है, ब्राह्मण है, सेठ है, पुरुष है, वे तो संस्कृत का इस्तेमाल करते थे,
ज्यादातर संस्कृत नाटकों में स्त्रियां प्राकृत में बोलती थी, तो दोहरी भाषा नीति संस्कृत में मौजूद थी। ये दोहरी भाषा नीति हिंदी में 1973 के बाद देखी गई। हबीब तनवीर के ज्यादातर नाटक हिंदी में है, हिंदी में है, कौन सी हिंदी में, छत्तीसगढ़ी हिंदी में, यानी छत्तीसगढ़ी बोली में। जिन दो नाटकों का मैंने जिक्र किया, मोरना दमाद, चरणदास चोर, ये दोनों छत्तीसगढ़ी में है। उसके बाद उन्होंने बहादुर कलारिन, सोन सागर और कई ना, हिरमा की अमर कहानी, कई नाटक लिखे जो छत्तीसगढ़ी या तो छत्तीसगढ़ी में है या छत्तीसगढ़ी का उनके नाटकों में उपयोग है। उन्होंने हिंदी खड़ी बोली में भी नाटक लिखना जारी रखा, जैसा उन्होंने पहले किया था आगरा बाजार। उस परंपरा में उन्होंने आगे चलकर एक औरत हिपेशिया भी थी और देख रहे हैं नैन, ये दो महत्वपूर्ण नाटक उन्होंने 1990 के बाद लिखे। लेकिन जो समकालीन हिंदी नाटक की बड़ी विशेषता है वो है बोलियों के नाटक, बोलियों में नाटक लिखे गए, मैथिली में लिखे गए, बुंदेली में लिखे गए, छत्तीसगढ़ी में लिखे गए, ब्रज में लिखे गए, अवधि का उपयोग करते हुए लिखे गए, और इस तरह से ये हुआ। एक और विशेषता जो समकालीन हिंदी नाटक में है वो विशेषता है नुक्कड़ रंग शिल्प का इस्तेमाल किए करने वाले छोटे नाटक, यानी नुक्कड़ नाटकों का लेखन। यानी प्रोसिनियम थिएटर ही नहीं हो रहा था बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में नुक्कड़ नाटककार उभर कर आए। छोटे नाटक यानी 20 से 30 मिनट तक के नाटक जो तात्कालिक समस्याओं पर जनता को संबोधित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए लिखे जाते थे, जिनकी चेतना मूलतः राजनीतिक और विचारधारात्मक होती थी, ये नाटक भी इस दौर में सबसे बड़ी मात्रा में लिखे गए। आप जानते हैं कि असगर वजाहत ने बहुत सारे छोटे नाटक लिखे, स्वयं प्रकाश ने नुक्कड़ नाटक लिखे, रमेश उपाध्याय ने नुक्कड़ नाटक लिखे, शिवराम ने नुक्कड़ नाटक लिखे, और बहुत सारे ऐसे नाटककार उभर कर आए जिन्होंने प्रोसिनियम के लिए यानी मंच के लिए नाटक लिखने के साथ साथ नुक्कड़ के लिए भी नाटक लिखे। ये सब कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनसे समकालीन हिंदी रंगमंच का निर्माण होता है, समकालीन हिंदी नाटक की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस पूरे दौर में यानी 1972-73 से लेकर और आज तक नाटककारों की कई पीढ़ियां उभर कर आई। 1973 से 85 के बीच एक पीढ़ी काम करती रही जिसने कई महत्वपूर्ण नाटक लिखे, जिसमें हबीब तनवीर, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी, रामेश्वर प्रेम, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मणि मधुकर, मुद्रा राक्षस, रमेश बख्शी, शरद जोशी, दया प्रकाश सिन्हा, सफदर हाशमी इत्यादि प्रमुख है। 1985 से 2000 के बीच जो सक्रिय रहे नाटककार, उन्होंने लिखना भले ही पहले थोड़ा शुरू कर दिया हो लेकिन एक पूरी पीढ़ी इस दौर में उभर कर आई। 1985 से 2000 के बीच नंदकिशोर आचार्य, असगर वजाहत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, सुदेश दीपक, अलक नंदन, राजेश जोशी, नाग बोडस, दूधनाथ सिंह, मोहन महर्षि इत्यादि, ऋषिकेश सुलभ का नाम भी इसमें जोड़ा जा सकता है। और 2000 के बाद नाटककारों की एक पीढ़ी उभर कर आई जिसमें अनुपम कुमार, अजय शुक्ला, मीरा कांत, योगेश त्रिपाठी, मानव कौल और नादिरा जहीर बब्बर जैसे नाटककार प्रमुख हैं। पुराने नाटककार भी इस दौर में नाटक लिखते रहे लेकिन बिल्कुल नए उभरे हुए ये जो नाटककार हैं ये भी पिछले 20 वर्षों में अपने नए नए नाटक लेकर हमारे सामने उभरे। तो एक तरह का बहुत खुला हुआ, उदार, लोकतांत्रिक, ज्यादा समावेशी लेकिन मूलतः लोक शैलियों से संवाद करने वाला, वी उपनिवेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला नाटक इस दौर में लिखा गया। इससे पहले कि मैं स्त्री मुक्ति संदर्भी नाटकों की ओर जाऊं, ये बात कह देना भी जरूरी समझता हूं कि 1973 से लेके और 1990-95 के बीच हिंदी नाटक में एक उभार आया और उस उभार के पीछे मूलतः हिंदी का प्रगतिशील आंदोलन था। यानी ज्यादातर नाटकों का संबंध प्रगतिशील आंदोलन से था, यानी प्रगतिशील रंग आंदोलन, थिएटर मूवमेंट पैदा हुआ, नुक्कड़ नाटक का आंदोलन या इप्टा का आंदोलन, छोटे नए कस्बों में प्रगतिशील लोग नाटक के लिए आए, संस्थाएं बनी और
पूरे देश में और खासतौर पर हिंदी क्षेत्र में कस्बों कस्बों में थिएट्रिकल संस्थाओं का गठन हुआ, जहां बहुत सारे गैर पेशेवर लोग, युवा लोग, शिक्षित लोग काम संगठन बनाते थे, नाटक लिखते थे, नाटक करते थे। तो एक उभार सा आपको 1972-73 से 94-95 के बीच आता दिखाई देता। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का, भूमंडलीकरण का सबसे गहरा प्रभाव जिस एक हिंदी की विधा पर पड़ा है और जिसके बाद नाटक और रंगमंच में एक खास किस्म का ठहराव और एक ठिठकन देखी जा सकती, वो नाटक की विधा। आपको कविता की विधा में आपको बहुत सारे नए प्रयोग करने वाले कवि, निरंतर लिखने वाले कवि आपको मिलेंगे, कहानी में, उपन्यास में, यहां तक कि ऐसी विधाएं जो कम महत्वपूर्ण थी हिंदी में, जैसा कि स्मृति आख्यान से संबंधित संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत इत्यादि में भी बहुत सारे नए काम 1990 के बाद हुए। लेकिन नाटक के क्षेत्र में ठहराव, एक स्थिरता दिखाई पड़ती है। ये बिल्कुल सही है कि हमारे पुराने नाटककारों ने नाटक लिखना जारी रखा, उनके रंगमंच पर प्रदर्शन भी होते। अभी 2 साल पहले असगर वजाह साहब का तुलसीदास और अकबर पर केंद्रित नाटक महाबली प्रकाशित हुआ। ऐसे नाटक बीच बीच में प्रकाशित होते रहते हैं, महत्वपूर्ण नाटक प्रकाशित होते हैं, पर जैसा एक आंदोलन दिखाई देता था 1972-73 से लेके और 95 के बीच, वो आंदोलन अब ठहरा ठहरा सा नजर आता। मैं जब बहुत गहराई से सोचता हूं तो मुझे लगता है कि शायद ये ग्लोबलाइजेशन का असर है। कस्बों कस्बों में हमारी संस्थाएं छीन हुई है, कम हुई है, हमारा काम कम हुआ है, और इसके परिणाम स्वरूप नए तरह का रंगमंच और नए हिंदी नाटकों की एक कमी सी दिखाई देने लगी है। आप देखेंगे कि 35 व्याख्यान इस सिलसिले में, आज 35वां व्याख्यान है, आप लोग चिंता करते हैं नाटक की, इसलिए आपने असगर साहब को बुलाया, इसलिए आपने राजेश जोशी को बुलाया नाटक पर बात करने के लिए, और आज मुझे बुलाया। लेकिन जब आप उत्तर भारत में आते हैं जो हिंदी का क्षेत्र है, तो आप देखेंगे कि सारी की सारी बातचीत कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक, माफ कीजिएगा, आलोचना इत्यादि पर केंद्रित। वहां नाटक लिखने वाले नाटककारों के बारे में कोई चर्चा नहीं है, नाटक लिखने वाले लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं है, उन आलोचकों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है जो नाटक और रंगमंच की आलोचना लिखते हैं। यानी खुद हिंदी क्षेत्र का रवैया अपने नाटक और रंगमंच के प्रति बहुत नकारात्मक है, और इस वजह से समकालीन हिंदी नाटक में, और मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी रंगमंच में भी, एक तरह का ठहराव और एक तरह की ठिठकन आपको दिखाई देती है 95 के बाद, और वो धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। इस पर विस्तार से बात किए जाने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये कैसे टूट सकता है, इस पर भी बात किए जाने की जरूरत है। हिंदी के नाटक प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, शायद लिखे जा रहे हों, तो इकलौती 2 पत्रिकाएं हैं, रंग प्रसंग जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पत्रिका है, और दूसरा नटरंग प्रतिष्ठान की पत्रिका नटरंग, जिन 2 पत्रिकाओं में निरंतर नए नाटकों का प्रकाशन होता है। पर ये पत्रिकाएं भी साल में 1-2 बार छपती, इसलिए साल में कुल मिलाकर 1 या 2 नए नाटक छप पाते हैं हिंदी में, और पुस्तक रूप में नाटकों के प्रकाशन से हिंदी का प्रकाशन जगत लगभग उदास है, और इसीलिए नए नाटकों का प्रकाशन नहीं हो रहा है, इसीलिए नए नाटककार भी इस बीच में उभर कर नहीं आ रहे हैं। यदि वे आ भी रहे हैं तो वे सीमित दुनिया में हैं, और वे उन पर एक राष्ट्रव्यापी चर्चा, कम से कम हिंदी में चर्चा उनकी नहीं हो रही। ये समकालीन हिंदी नाटक का परिदृश्य है, जिसका खासतौर पर पिछला जो 10-15 वर्ष है वो काफी संकटग्रस्त है। इस बात के बावजूद कि पीयूष मिश्रा के नाटक प्रकाशित हुए हैं, अच्छे नाटक, सौरभ शुक्ला का एक नाटक प्रकाशित हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण नाटक, नादरिया जजीर बब्बर के कई नाटक प्रकाशित हुए हैं पिछले वर्षों में, हबीब तनवीर के नाटकों के पुनः प्रकाशन हुए हैं, मीरा कांत के नाटकों का प्रकाशन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो एक उत्साह था, मुझे लगता है वो उत्साह ठंडा पड़ा है, और नवाचार की, नए रास्ते खोलने की दिशा में थोड़ी सी कमी अनुभव होती है। हिंदी नाटक, जिसकी शुरुआत भारतेंदु से माननी चाहिए, यानी लगभग
150 साल का हिंदी नाटक का इतिहास है। और इन 150 वर्षों में हम जानते हैं कि नवजागरण और बाद में आजादी के आंदोलन यानी स्वतंत्रता आंदोलन के बाद और फिर आजादी के बाद तमाम तरह के स्त्रीवादी आंदोलनों के प्रभाव से स्त्री का प्रश्न साहित्य की अनेक विधाओं में महत्वपूर्ण होता चला गया। खास तौर पर जिस एक विधा ने स्त्री के प्रश्न को बहुत ही गंभीरता से उठाया और निरंतर नए आयामों में नए स्तरों पर जाकर स्त्री के जीवन के बारे में समाज व्यवस्था द्वारा पैदा किए जा रहे दबावों और तनावों के बारे में और स्त्री मुक्ति के नए रास्ते खोजने के सिलसिले में जिस एक विधा ने पिछले 150 साल में सबसे जबरदस्त काम किया वो विधा उपन्यास है। यानी एक तरह से स्त्री मुक्ति संबंधी साहित्य में जब आप खोजबीन करेंगे, इतिहास लिखेंगे, विवेचन विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि शायद उपन्यास ही वो सबसे महत्वपूर्ण विधा है जिसने स्त्री के सवाल को अनेक आयामों से, लगातार नए नए आयामों से उठाने की कोशिश की। भारतीय उपन्यास और हिंदी का उपन्यास, प्रेमचंद के जमाने से आप याद करें, जैनेन्द्र, यशपाल, यहां तक कि यज्ञ, भीष्म साहनी, बहुत सारे हमारे उपन्यासकार, और फिर 80 के दशक के बाद तो बहुत सारी खुद स्त्री लेखिकाएं उपन्यास की दुनिया में आई जिन्होंने स्त्री केंद्रित बहुत सारे उपन्यास लिखे और स्त्री के जीवन को और स्त्री के प्रश्नों को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से उपन्यास में उठाया। कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, राजी सेठ, चित्रा मुद्गल, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, अलका सरावगी, गीतांजलि श्री से होते हुए मनीषा कुलश्रेष्ठ, नीलाक्षी सिंह, कल्पना मिश्र, बहुत सारे उपन्यासकार हैं जिन्होंने स्त्री के सवाल को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उठाया। उसके मुकाबले शायद कविता के भीतर भी कम बात हुई और उससे भी कम बात हुई नाटक के क्षेत्र में। यानी स्त्री का सवाल कभी भी नाटक के क्षेत्र में उतना महत्व प्राप्त नहीं कर सका जितना कि वो उपन्यास में या कहानी में प्राप्त कर पाया। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसा नाटककार, जो मल्लिका जैसी एक उपन्यासकार लेखिका के साथ रहता था, बाद में चलकर बहुत सारे लोगों ने स्त्रियों के जीवन से संबंधित नाटक लिखे, यानी स्त्रियां बहुत हैं नाटकों में, लेकिन स्त्री के सवाल को और स्त्री की मुक्ति के सवाल को उठाने वाले नाटकों की संख्या बहुत कम। और आजादी से पहले पूरे नवजागरण और स्वतंत्रता आंदोलन के जमाने में जिस एक नाटक पर हमारी नजर ठहरती है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक। याद रखना होगा कि ध्रुव स्वामिनी का रचना काल वही है जो गोदान का और श्रृंखला की कड़ियां का रचना काल, यानी 30 से 35-36 का जो वक्फा है, जो समय है, उस बीच में स्त्री का सवाल उपन्यास और वैचारिक साहित्य से होते हुए संभवतः नाटक की दुनिया में आता है। मैं उस पर बात नहीं करूंगा। और ध्रुव स्वामिनी के बाद यद्यपि कि कई नाटक लिखे गए बीच में, स्त्री केंद्रित नाटक भी लिखे गए, पर स्त्री की मुक्ति के सवाल को उठाने वाले नाटक हमें 1984-85 के बाद ही मिलते हैं।
और विशेष रूप से जिन चार नाटकों की आज मैं यहां चर्चा करना चाहता हूं, वे चारों के चारों नाटक 1980 से 1986 के बीच लिखे गए। मुझे जो नाटक ध्रुव स्वामिनी के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण लगता है स्त्री के सवाल को उठाने वाला, वो नाटक है भीष्म साहनी का नाटक माधवी, जो 1984 में लिखा गया और 1984 में ही दिल्ली में खेला गया। जो दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक मुझे लगता है, बल्कि वो माधवी की तरह ही महत्वपूर्ण नाटक है, वो नाटक है त्रिपुरारी शर्मा का 1979 to 1981 के बीच में लिखा गया और 1984 में फिर संशोधित हुआ नाटक बहु। दो और जिन नाटकों की मैं चर्चा करना चाहता हूं आज, वे दो नाटक भी 1984-86 में ही लिखे गए हैं, ऋषिकेश सुलभ का नाटक अमली और अलक, जो 1984 में लिखा गया। मुझे प्रकाशन की सूचना नहीं है कि ठीक वो पहली बार कब प्रकाशित हुआ, पर खेला गया 1984 में। और फिर 1986 में लिखा गया और 1986 में ही प्रदर्शित अलकनंदन का नाटक चंदा बेडनी। इसके अलावा भी बहुत सारे नाटक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मीराबाई का नाटक है नेपथ्य राग, वो एक बहुत ही गंभीरता से स्त्री के सवाल को उठाता है। पर आज बहुत सारे नाटकों पर मैं चर्चा नहीं कर सकता, इसलिए फिलहाल मैंने उसको डिटेल डिस्कशन के लिए छोड़ दिया। नादिरा बब्बर के दो नाटक स्त्री केंद्रित हैं, हालांकि वो स्त्री जीवन के सवाल, स्त्री मुक्ति के सवाल को उस तरह नहीं उठाते। वो है सुमन और सना और सकुबाई। राजेश जोशी ने भी एक नाटक लिखा है जो स्त्री केंद्रित नाटक है और वो भक्त कवित्री कश्मीर की ललेश्वरी के जीवन पर और उनकी कविता पर आधारित है। इसे थोड़ी सी एक झलक उसमें स्त्री जीवन की और स्त्री सवालों की भी मिलती है। और भी कई नाटक में हो सकते हैं। एक नुक्कड़ नाटक का जरूर मैं उल्लेख करना चाहता हूं, जिन्हें मैं इन चार नाटकों के साथ ही माधवी, बहु, अमली और चंदा बेडनी के साथ महत्वपूर्ण मानता हूं, और वो नाटक है जन नाट्य मंच का, संभवतः सफदर हाशमी द्वारा लिखा गया, लेकिन उस पर नाम नहीं है सफदर हाशमी का, इसलिए मैं उसे जन नाट्य मंच का नाटक मानता हूं। औरत एक नुक्कड़ नाटक। तो कुल मिलाकर ये पांच नाटक हैं जिन्हें मैंने आज की चर्चा के लिए चुना है, और मेरी दृष्टि से यही वे नाटक हैं जो इसकी पराधीनता के प्रश्न को, भारतीय पितृसत्ता के चरित्र की और उसके स्वरूप के प्रश्न को, और भारतीय पितृसत्ता द्वारा धर्म सत्ता, राज सत्ता, समाज सत्ता के साथ किए गए गठजोड़ों को, और उन गठजोड़ों से के कारण स्त्री के जीवन पर पड़ने वाले दबावों को, और उन दबावों के बीच में से स्त्री द्वारा अपनी मुक्ति के लिए उठाए गए कदमों को और खोजे गए नए रास्तों की पड़ताल करते हैं ये पांच, माधवी, बहु, अमली और चंदा बेडनी और उसके साथ नुक्कड़ नाटक औरत। सबसे पहले मैं, जिसे मैं ध्रुव स्वामिनी के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक मानता हूं, माधवी, उसके बारे में कुछ देर ठहर कर बात। आप जानते हैं कि भीष्म साहनी एक प्रगतिशील कथाकार थे, मूलतः उनकी छवि एक कथाकार की है। पहले उन्होंने कहानियां और उपन्यास लिखे और फिर वो अनुष लिखकर नाटक की दुनिया में आए। अनुष के बाद उन्होंने कबीरा खड़ा बाजार में लिखा, मुआवजे लिखा, आलमगीर लिखा, रंग दे बसंती लिखा और उसके साथ ही ये स्त्री केंद्रित नाटक लिखा माधवी। भीष्म साहनी ने ऐसे कई उपन्यास भी लिखे हैं जिनके केंद्र में स्त्रियां हैं।
इसलिए स्त्री के प्रति उनके मन में जो संवेदना थी और जो वैचारिकता थी वो मूलतः उपन्यास की परंपरा से आई थी। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ध्रुव स्वामिनी के बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक हमें मिला तो उसके पीछे हिंदी उपन्यास में जो स्त्री के सवाल को उठाने की जो परंपरा थी वो थी और वो मिली थी भीष्म साहनी। इसलिए प्रेमचंद ने, यशपाल ने, जैनेन्द्र ने और खुद भीष्म साहनी ने अपने उपन्यासों में जैसे स्त्री के सवाल को उठाया था शायद उससे ही प्रभावित होकर उन्होंने ये नाटक लिखने की सोची। वे पहली बार मिथक की दुनिया में गए और उन्होंने एक पौराणिक कथा को आधुनिक स्त्री की कथा कहने के लिए इस्तेमाल किया, माधवी की कथा, माधवी ययाति और गालव की कथा, माधवी ययाति गालव और विश्वामित्र की कथा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा। और ये जो जब नाटक मिथक के पास जाता है और वो एक पुरानी मिथकी कथा को नाटक में लेकर आता है और उसका एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, आधुनिक व्याख्या करता है, तो बहुत सारे कारनामे हो जाते हैं और हिंदी नाटक को उस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने लगातार मिथक के साथ अपना संवाद कायम रखा। अंधा युग से लेकर और आज तक मिथक और इतिहास हिंदी नाटकों के दो प्रमुख कथा आधार है। यानी हमारे नाटककार या तो मिथकों से कथाएं लेते हैं या इतिहास से कथाएं लेते हैं या लोक कथाओं से कथाएं लेते हैं और कम बार वो समकालीन जीवन से सीधे कथाएं लेते हैं। भीष्म साहनी की दृष्टि एक उपन्यासकार की, एक प्रगतिशील उपन्यासकार कथाकार की दृष्टि सी और वो मिथक को नाटक की दुनिया में लेकर आए और उसके पहले उनके पास एक मिथक के साथ नाटक के संवाद की एक परंपरा उनके पास थी। अंधा युग सामने था और भी कई नाटक इससे पहले लिखे जा चुके थे, इसलिए भीष्म साहनी मिथक कथा में उलझे नहीं बल्कि उन्होंने मिथक कथा के माध्यम से भारतीय समाज में अभी भी चली आ रही उस व्यवस्था को उभारने की कोशिश की जो तमाम आधुनिकीकरण के बाद बावजूद कहीं ना कहीं हमारे समाज में और हमारे परिवार में जीवित है। ये कहना बहुत जरूरी है कि भारतीय पितृसत्ता का सबसे ताकतवर हथियार परिवार है। परिवार, विवाह और घर, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से भारतीय पितृसत्ता स्त्री को हमेशा के लिए दोयम दर्जे का नागरिक और कई बार गुलाम बना देती है। ये जो भारतीय पितृसत्ता का विशिष्ट चरित्र है जो यूरोपीय पितृसत्ता या आधुनिक पितृसत्ता से ठीक ठीक मेल नहीं खाता, क्योंकि भारतीय पितृसत्ता अलग अलग अवसरों पर धर्म सत्ता के साथ गठजोड़ करती है और अनेक बार हमें यह भी लगता है कि भारतीय पितृसत्ता मूलतः धर्म सत्ता द्वारा संचालित है। यानी धर्म सत्ता पितृसत्ता को नियंत्रित करती है, ऐसा लग सकता है, लेकिन वस्तुतः धर्म सत्ता और पितृसत्ता की एक मिलीभगत है और धर्म सत्ता इस बात में दिलचस्पी लेती है कि स्त्री कभी भी प्रथम दर्जे की नागरिक, पुरुष की तरह स्वतंत्र और समानता मांगने वाली, न्याय मांगने वाली, बंधुत्व का सवाल उठाने वाली न बन सके। इसलिए भारतीय पितृसत्ता का जो मूल आधार है वो धर्म सत्ता है और इस प्रश्न को, इस सवाल को भीष्म साहनी बहुत ही गंभीर ढंग से इस नाटक में उठाते हैं। आप चाहें तो आसानी से समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि राजसत्ता
की तुलना में और समाज सत्ता की तुलना में भीष्म साहनी पितृ सत्ता की ताकत के लिए और पितृ सत्ता द्वारा स्त्री को गुलाम बनाए जाने की वाली परिघटना के लिए धर्म सत्ता को जिम्मेदार मानते हैं। और माधवी का की कथा जिस युग से संबंधित है उस युग में अब धर्म सत्ता को समझने के लिए चाहे तो एक पुराने आधुनिक शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वह है ब्राह्मणवाद। आधुनिक युग में मध्यकाल में धर्म सत्ता को समझने के लिए ब्राह्मणवाद एक हद तक काम करेगा लेकिन आपको उससे बाहर भी जाना पड़ेगा। लेकिन माधवी की कथा जहां से उठाई गई है वहां पितृ सत्ता के व्यवहार को समझने के लिए राजसत्ता और उससे भी ज्यादा धर्म सत्ता यानी ब्राह्मणवाद द्वारा निर्धारित नियम समझने पड़ेंगे जिनकी तरफ भीष्म साहनी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। भीष्म साहनी ने उस यातना को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है जो यातना पितृ सत्ता के बोझ तले पिसती हुई स्त्री को होता है। भीष्म साहनी उस तनाव को उस द्वंद्व को उस यातना को उस इलियनेशन को खुद अपने से अलग हो जाना अपने परिवार से अलग होती है स्त्री एक ढंग से वो इलियनेट होती है। कई बार वो अपनी अपनी भाषा से अपनी संस्कृति से इलियनेट होती है पृथक्कृत हो जाती अलग हो जाती। और इलियनेशन की ये प्रक्रिया कई बार इतनी तगड़ी और ताकतवर होती है कि स्त्री खुद अपनी निजता से वैयक्तिकता से और यहां तक कि स्त्रीत्व तक से इलियनेट हो जाती। आपको बड़ी मात्रा में पितृसत्ता के बोझ तले पिसती हुई ऐसी स्त्रियां मिलेंगी जो अपनी सेक्सुअलिटी तक को अपनी यौनिकता तक को अपनी स्त्री के रूप में अपनी यौन आकांक्षाओं तक को दमित करती हैं यानी अपने स्त्रीत्व तक से खुद को अलग कर लेती। और ये जो इलियनेशन की प्रक्रिया है जो एक स्त्री में संपन्न होती है जब वो विवाह करती है जब वो पराए घर जाती है जब वो एक पराए पुरुष के साथ निवास करती है और वहां तरह तरह के संकटों का सामना करती है उस इलियनेशन को भीष्म साहनी में उस पूरी यातना के साथ चित्रित करने की कोशिश की है जो यातना एक स्त्री की यातना है। और वो यातना सिर्फ माधवी की नहीं है वो हमारे जमाने तक किसी न किसी रूप में वो यातना चली आ रही है। आप सब जिन्होंने माधवी पढ़ा है आपको याद होगा कि गालव अपने गुरु की को दी गई को दिए गए वचन के लिए यानी गुरु दक्षिणा के 800 अश्वमेधी घोड़ों के लिए ययाति अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं और यश प्रसार के लिए हरियश्च दिवोदास और दूसरे राजा अपनी कामुकता और अपनी वासना और अपनी पुत्र उत्पन्न करने की आकांक्षा के कारण माधवी के शोषण में भागीदार बनते हैं। एक तरह से ययाति गालव और विश्वामित्र ये तीन ऐसे प्रमुख पुरुष पात्र हैं जो पितृ सत्ता के प्रतिनिधि हैं जो माधवी को उस दिशा में धकेलते हैं जहां माधवी अपने स्त्रीत्व को अपनी वैयक्तिकता को अपनी निजता को अपनी काया को अपनी देह को अपनी आत्मा को दांव पर लगाती है। गालव ने यह सब निजी दंभ के लिए लेकिन साथ साथ रहते गालव को माधवी से और माधवी को गालव से प्रेम हो दोनों एक दूसरे के प्रेम में बन गए। इसलिए जब माधवी हरियश
के यहां गई एक राजा के यहां पुत्र पैदा करने, तो उसके मन में एक 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 राग था, एक प्रेम था। तो उस अंतःपुर में जो कुछ भी पीड़ा उससे हो रही थी, अपनी देह को अपनी आत्मा को हर यश को सौंपते हुए, लेकिन उसके मन में कहीं एक स्वप्न था, गालव के साथ एक बेहतर जीवन जीने का स्वप्न, जो देवोदास और दूसरे राजाओं के यहां रहते हुए भी वो बचा रहा। प्रेम, पितृसत्ता में ढले हुए पुरुष से प्रेम करती हुई स्त्री भी अंततः प्रेम प्राप्त नहीं करती। यानी पुरुष का माइंडसेट, पुरुष की विचारधारा यदि पितृसत्तात्मक है, तो ऐसे पुरुष से प्रेम करके भी अंततः स्त्री छली जाती है और वो यातना से गुजरती है, जैसा कि माधवी छली गई। यदि वो सिर्फ विवचन के लिए पूरा करती है ऐसा, और उसके मन में वो प्रेम ना होता गालव के प्रति, या गालव द्वारा उस प्रेम की बात ना कही जाती, तो शायद उसे ये दुख, ये पीड़ा, ये तनाव इतना न लगता, उसे कर्तव्य की तरह करती चली जाती। परंतु उस प्रेम के कारण, पुरुष का प्रेम भी पितृसत्ता का एक हथियार हो सकता है। उपन्यासों में और आत्मकथाओं में यह बात बार बार कही गई है। तस्लीमा नसरीन की आत्मकथाएं पढ़ें, प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्या से अनन्या पढ़ें, तो आपको यह बात बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उभर कर आएगी कि कैसे प्रेम भी अंततः स्त्री के छले जाने का एक उपकरण बनता है, पुरुष का प्रेम। पर इसे भीष्म साहनी ने बहुत ही संवेदना के साथ सामने रखा, स्त्री मन को, स्त्री के अंतर्द्वंद को, मातृत्व को छोड़ देने को, सारी की सारी घटनाओं को बहुत गंभीरता से भीष्म साहनी ने हमारे सामने रखा, और उस संघर्ष को भी, उस प्रतिरोध को भी, जो प्रतिरोध माधवी करती है, ये याति के प्रति प्रतिरोध, उसकी आज्ञा मानते हुए भी, विश्वामित्र के प्रति प्रतिरोध, उसके साथ जीवन के कुछ हिस्से बिताते हुए भी, और सबसे ज्यादा प्रतिरोध गालव के प्रति, गालव जिसके समूचे शोषण का और अंततः उसकी टूटन का, एक के बाद दूसरे राजा, तीसरे राजा और अंततः विश्वामित्र के साथ रहते हुए शायद माधवी इतनी न टूटती यदि उसके मन में गालव के प्रति प्रेम, या गालव का ये भरोसा ना होता कि गालव भी उससे प्रेम करता है। पर सबसे ज्यादा वो टूटती है जब वो ये अनुभव करती है कि गालव भी अंततः पितृसत्ता के सांचे में ढला हुआ एक पुरुष है, उसे भी हरियश की तरह और विश्वामित्र की तरह और देवोदास की तरह स्त्री की आत्मा नहीं, स्त्री की देह चाहिए, सुंदर देह, कोमल देह, युवा देह। और तब वो गालव के साथ जो वार्तालाप करती है, जो एक तरह से उस धर्म सत्ता और पितृसत्ता की गठजोड़ का एक प्रतिनिधि चरित्र है, उसके प्रति एक प्रतिरोध करती है। नाटक में भीष्म साहनी हमें यह बताना नहीं भूले हैं कि धर्म सत्ता और पितृसत्ता का ये जो गठजोड़ है, उसका जो आदर्श है वो क्या है, और किस तरह की पत्नी या प्रेयसी चाहते हैं वे लोग जो
धर्म सत्ता और पितृ सत्ता के गठजोड़ से संचालित हैं आज भी। ये जो 90 के बाद भारतीय धारावाहिकों में बहुओं की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें से एक बहू तो आजकल बहुत ताकतवर है राजनीति में भी, वो जो बहू की जो छवि है जो भुनाई जा रही है हिंदी क्षेत्र में, तो विशेष तो सीता की छवि, ये सीता की छवि वाली बहू को जिस तरह से बाजार भुना रहा है, उसके पीछे वो आदर्श क्या है? उसके पीछे आदर्श वही है, पुराना आदर्श, सीता का आदर्श, सावित्री का आदर्श। और भीष्म साहनी ने बहुत ही खूबसूरती से दूसरे अंक के पहले दृश्य की शुरुआत में कथावाचक के संवादों के माध्यम से ये जो पुरातन आदर्श है स्त्री का, पिता ने कहा और पीछे चली जाओ घर से, जैसा कि माधवी चल पड़ी। भीष्म साहनी ने बहुत गहन वैचारिकता के साथ ये बात कही। वे कहते हैं, देखिए, धर्म ग्रंथों में स्त्री की तुलना पृथ्वी के साथ की गई है। जिस भांति पृथ्वी संसार भर का बोझ वहन करती है, वैसे ही स्त्री सभी दायित्वों का भार वहन करती है, उसकी शक्ति सेवा में है। आज जो भी आदमी ऐसी बात कहता हुआ आपको मिले, स्त्री पृथ्वी की तरह होती है, चाहे वो कितनी रुमानी ढंग से कही जाए बात, और उसकी शक्ति सेवा में है। पुरुष महत्वाकांक्षी होता है, पर स्त्री का प्रमुख गुण त्याग है, सेवा है। जो भी कहे उससे मानिए कि वो धर्म सत्ता और पितृ सत्ता के, या धर्म सत्ता के नियंत्रण में चलने वाली पितृ सत्ता का प्रतिनिधि है। भीष्म साहनी माधवी की यह कथा कहते हुए पुरातन आदर्श भी हमारे सामने रख देते हैं, सीता और सावित्री का। लेकिन प्रेम में चली गई माधवी प्रतिरोध करती है, और वो एक तरह का विद्रोह भी उसके इस प्रतिरोध में शामिल है, और वो विद्रोह है गालव को छोड़ देने का निर्णय। स्त्री की मुक्ति का रास्ता यहीं से शुरू होता है। विवाह, परिवार, घर, और घर और परिवार में बांधने वाले प्रेम से मुक्त होना। घर और परिवार जरूरी चीजें हैं, मैं बिल्कुल इस मत का समर्थक नहीं कि परिवार की जरूरत नहीं है हमें, परिवार की जरूरत है, लेकिन एक नए तरह के परिवार की जरूरत है जहां स्त्री घर, विवाह और परिवार में कैद न रहे, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी निजता, उसकी स्वतंत्रता, उसकी समानता, उसकी वैयक्तिकता और उसकी चेतना को छीज न जाए, सीमित न कर दे परिवार और घर। भारतीय समाज में प्रेम, पितृसत्ता के सांचे में ढले हुए स्त्रियों और पुरुषों का प्रेम विवाह का पिछलग्गू होता है, और पितृ सत्ता के सांचे में ढले हुए स्त्री और पुरुष प्रेम करते ही अपने मन में ये धारणा बनाते हैं कि इस स्त्री या इस पुरुष के साथ उन्हें परिवार बनाना है, घर बनाना है, विवाह करना है। और यही वो गुत्थी है, यही वो समस्या की जड़ है, जहां से न विवाह को कोई चुनौती पेश हो पाती है, न घर को कोई चुनौती पेश हो पाती है, न परिवार को कोई चुनौती पेश हो पाती है, और प्रेम भी स्त्री को आजाद नहीं कर पाता, क्योंकि अंततः वो प्रेम भी पितृसत्ता के सांचे में ढले हुए विवाह और पितृसत्ता के सांचे में ढले हुए घर और परिवार की तरफ ले जाता है स्त्री को। इसलिए माधवी का निर्णय गालब से धोखा खाने के बाद, माधवी का यह निर्णय कि वो माधवी गालव के साथ नहीं जाएगी,
ये एक तरह से उस समूची पितृसत्ता के प्रति एक तरह का प्रतिरोध है, एक तरह का विद्रोह है। बहुत ही गंभीरता से माधवी के संवादों को लिखा है भीष्म साहनी ने, और इस उसके व्यक्तित्व में एक खास तरह की यातना से उपजा हुआ प्रतिरोध है जो जगह जगह पर संवादों के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होता है। मैं कुछ संवाद आपके सामने रेखांकित करके बात को आगे बढ़ा देना चाहता हूं। पहला पुत्र पैदा करने के बाद जब माधवी गालव से मिलती है तो मातृत्व के कारण उसके मन में, उसके जीवन में आए हुए उस नए व्यक्ति के प्रति गहन राग है जो उसका शिशु है, बच्चा है, बेटा है, वो उसमें डूबी हुई है। और अपने बेटे में, अपनी संतति में डूबना स्त्री का अधिकार है और उसकी वैयक्तिकता का, उसकी निजता का एक लक्षण भी है। जैसे वो प्रेम में डूबती है वैसे ही वो मातृत्व में भी डूबती है, डूब सकती है, लेकिन गालव को तो अपने लक्ष्य से मतलब। और वो कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और तब व्यंग करती है, ये यातना से निकला हुआ व्यंग है माधवी का, स्वतंत्र, कैसी स्वतंत्रता गालव, उन दीवारों के पीछे मेरा नन्हा बालक मुंह खोले मेरा स्तन ढूंढ रहा है और तुम कहते हो मैं स्वतंत्र हूं। क्या गालव, क्या सचमुच तुम मुझे स्वतंत्र समझते हो? जो मां अपने बच्चे को छाती से लगा पाए वही स्वतंत्र होती। गालव फिर एक बात कहता है, वो कहता है कि वो वही पुरानी बात जो आज भी कही जाती है पितृसत्ता द्वारा, संतान पैदा हो जाने पर तुम इतनी दुर्बल हो जाओगी, मैं नहीं जानता था। इसीलिए शायद स्त्रियां जोखिम के काम नहीं करती, किसी बड़े काम का दायित्व वहन नहीं करती। ये एक आरोप है जो स्त्री पर हमेशा से लगाया जाता है, स्त्रियां जोखिम के काम नहीं करती, बड़े काम नहीं करती। इस पर क्या कहती है माधवी? तुम सदा दायित्व की बात करते हो गालव, तुम यही कहना चाहते हो कि मैं कर्तव्य परायण नहीं हूं। एक कर्तव्य मेरे पिता का, एक कर्तव्य मुनि कुमार गालव का, दोनों के कर्तव्य मेरे माध्यम से पूरे हो रहे हैं, फिर भी मैं दुर्बल हूं, कर्तव्य परायण वही है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आखिर में वो कहती है, यदि यह दुर्बल नारी बीच में से निकल जाए गालव तो क्या होगा। और ये जो है कि ययाति की यशो कामना भी माधवी के कारण है और गालव की प्रतिज्ञा भी पूरी हो रही है माधवी के कारण, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद माधवी को इस कर्तव्य पालन की सबसे बड़ी कड़ी को कहा जा रहा है माधवी को कि वो निर्बल है। वो व्यंग से कहती है, कितनी यातना है इसमें, कितना दुख, आज सचमुच मुझे स्वतंत्रता मिली है, मैं मुक्त हुई हूं। माधवी न घर की न घाट की। ये जो पूरा का पूरा विधान है, ऐसे बहुत सारे संवाद भीष्म साहनी ने माधवी की ओर से रचे हैं जहां माधवी का व्यक्तित्व, और ये बात कि वो सह नहीं रही है, वो सह नहीं सकती एक सीमा के बाद, जो मार खा रोई नहीं, वो जो तोड़ती पत्थर की परंपरा की स्त्री है माधवी, वो महाभारत की शकुंतला, शकुंतलोपाख्यान की शकुंतला और वाल्मीकि रामायण की सीता की तरह, वो बोलना नहीं छोड़ती,
वो अपने हक वो शोषित होती है, उसके साथ धोखा होता है, लेकिन वो इस धोखे की कहानी बताए बगैर नहीं रहती। इसलिए उस परंपरा में माधवी आती है और वो, और अंत में जब माधवी अपने चार पुत्र पैदा करने के बाद अपने मूल रूप में आती है, वो अधेड़ हो चुकी है, उसका शरीर ढल चुका है, उसके शरीर में झुर्रियां आ चुकी हैं, वो थोड़ी काया उसकी उतनी छरहरी और दुबली नहीं रह गई है, और उसके मूल रूप में देखकर गालव का सारा प्रेम है वो काफूर हो जाता है, उड़ जाता है, और वो फिर एक ढोंग रचता है। ये देखना बहुत जरूरी है कि भारतीय पितृसत्ता के सांचे में ढले हुए पुरुष और स्त्रियां इस तरह के तर्क करने में बहुत ही माहिर होते हैं। गालव कहता है कि चूंकि तुम मेरे गुरु विश्वामित्र के साथ रह आई हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वो ये नहीं कहता कि तुम ढल गई हो चार पुत्र पैदा करने के बाद और चार पुरुषों के साथ रहने और इतना वक्त गुजरने के बाद तुम ढल गई हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। सच नहीं कहता, लेकिन माधवी इस बात को जान जाती है, इस बात को समझ जाती है, और वो बिना एक भी क्षण की देर किए वो इस बात को कह देती, ओ गालव गालव तुम सीधी बात क्यों नहीं करते, दिल में तुम्हारे वासनाएं कुल बुलाने लगी हैं, ऊपर से तुम आदर्शों और मर्यादाओं की बात करते हो। ये जो तुम्हारे वासनाएं कुल बुलाने लगी हैं, ऊपर से तुम आदर्शों की बात करते हो, कभी कभी मुझे लगता है, मैंने शुरू में कहा था कि एक यातना और इलिनेशन, अपने से ही अलग हो जाना, ये शोषण की इस प्रक्रिया में स्त्री खुद को भुला देती है, पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपनी वैयक्तिकता के सारे वो गुण, रचनात्मकता के वो सारे गुण वो भुला देती है और खुद से अलग हो जाती है, यहां तक कि वो अपने स्त्रीत्व को भी भुला देती है। वो यातना, वो इलिनेशन से उपजी हुई यातना, कभी कभी मुझे लगता है मैं कोई दुस्वप्न देख रही हूं, मेरे चारों ओर राक्षस और दानव घूम रहे हैं, कर्तव्य परायण दानव, अधिक मत समझिएगा, लेकिन हमारे समय में भी कर्तव्य के नाम पर अपनी प्रेयसियों को और अपनी पत्नियों को छोड़ देने वाले बहुत सारे कर्तव्य परायण महापुरुष महाबली भारत में घूम रहे हैं और चारों तरफ उनका डंका बज रहा है। वे अपने सीने का नाप बताते हैं, वे अपने पौरुष की बातें करते हैं, शक्ति की बातें करते हैं, कर्तव्य परायण लोग हैं वो, जो कर्तव्य के लिए पत्नी को प्रेयसी को छोड़कर चले जाते हैं। मेरे चारों राक्षस और दानव घूम रहे हैं, कर्तव्य परायण दानव, तीनों राजा मेरे बच्चों को साथ लेकर यहां पहुंचे हैं, जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटी में छोटी मछली लगा दी जाती है, वे मेरे बच्चों को मेरे सामने लेकर मुझे प्रलोभन देंगे, सभी कर्तव्य के पक्के सभी महामानव, तुमने मुझे यौवन की आहुति देकर अपनी गुरुदक्षिणा जुटाई। उसकी बातों में, उसके संवादों में बहुत अधिक क्रोध है, मुझे तुम्हारा आदर नहीं चाहिए गालव, ना ही कृतज्ञता, मुझे जो चाहिए था वह तुम्हारे पास नहीं है, मुझे जो चाहिए था वह तुम्हारे पास नहीं है, पितृसत्ता से मुक्त प्रेम कर सकने वाला पुरुष हृदय, पितृसत्ता से मुक्त प्रेम कर सकने वाला हृदय नहीं है तुम्हारे पास। और तमाम बातें, और अंततः वो कहती है, तुमने केवल एक ही व्यक्ति से प्रेम किया है और वह अपने आप से। भारतीय पितृसत्ता
पुरुषों का जो साचा ढल बनाती है, जिसमें हमारे ज्यादातर पुरुष, सभी विचारधाराओं को मानने वाले ज्यादातर पुरुष, मार्क्सवादी भी, अंबेडकरवादी भी, समाजवादी भी, नेहरूवादी भी, गांधीवादी भी और तमाम तमाम वादी भी, ये अंततः पितृ सत्ता के सांचे में ढले हुए पुरुष अंततः एक ही व्यक्ति से प्रेम करते हैं और वो है अपने आप से। और बहुत ही व्यंग में वो कहती है कि और एक दिन तुम अंततः ऋषि गालव बन जाओ। माधवी पिता द्वारा किए जा रहे स्वयंवर में शामिल नहीं होती और गालव के अंतिम प्रेम प्रस्ताव को भी ठुकरा देती है और वो उस आश्रम से जहां सब इकट्ठे हैं उसके स्वयंवर के लिए वहां से निकल जाती है। संसार बड़ा विशाल है, संसार बड़ा विशाल है गालव, उसमें निश्चय ही मेरे लिए कोई स्थान होगा। और जब स्त्री अपने पिता, छलने वाले अपने प्रेमी, सिर्फ पुत्र पैदा करने के लिए बनने वाले पतियों से मुक्त हो जाती है, धर्म सत्ता, पितृ सत्ता, राज सत्ता के उस गठबंधन से मुक्त हो जाती है और वो विशाल पृथ्वी में चली जाती है, तो एक तरह से ये मुक्ति का रास्ता है। मुक्ति का रास्ता है धर्म सत्ता और पितृ सत्ता से मुक्त होना, खुद को पहचानना और खुद अपने लिए बिना पिता, पति या प्रेमी या पुत्र द्वारा दिए गए रास्ते को छोड़कर खुद अपने लिए रास्ता तलाशना। ये पृथ्वी बहुत बड़ी है, मुझे भी कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, जैसे मीरा निकल पड़ी थी उसी तरह, जैसे शकुंतला निकली जब वो दुष्यंत के दरबार में ठुकरा दी गई, ये जैसे स्त्रियां हमेशा से निकलती आई हैं और अपना रास्ता खोजती आई हैं, ठीक उसी तरह माधवी निकली। और मुक्ति का रास्ता यही है, धर्म सत्ता, राज सत्ता, पितृ सत्ता के गठबंधन से चलने वाली इस व्यवस्था से बाहर आकर, उसके बनाए हुए सभी सांचों और खांचों से बाहर आकर, किसी भी तरह के आदर्श और गरिमा और ग्लैमर की उम्मीद किए बगैर, यहां तक कि प्रेम की उम्मीद किए बगैर भी उससे बाहर आ जाना, यही मुक्ति का रास्ता है। ये जो अंतःपुर है पुरुषों द्वारा बनाया गया अंतःपुर, और ये जो प्रेम है पुरुषों द्वारा बनाया गया प्रेम, चाहे वो पिता का प्रेम हो, चाहे प्रेमी का प्रेम हो, चाहे पति का प्रेम हो, ये सब के सब अंततः स्त्री की मुक्ति का रास्ता नहीं खोजते, ये स्त्री को बांधने की कोशिश करते हैं। बहुत ही प्रभावशाली ढंग से भीष्म साहनी माधवी में ये बात कहते हुए ध्रुव स्वामिनी के की कड़ी में एक ऐसा जबरदस्त जोड़ नाटक जोड़ते हैं जिसे हमेशा ही इस प्रसंग में पढ़ा जाना, गुना जाना और उस पर विचार किया जाना बहुत जरूरी है। माधवी के बाद जिन दो नाटकों का मैं जिक्र करना चाहता हूं, ये दो नाटक भी माधवी की तरह ही स्त्री के जीवन में पितृ सत्ता के और पितृ सत्ता द्वारा अलग अलग तरह की सत्ताओं से किए गए गठजोड़ को और उसकी जो रणनीतियां हैं, जो चालें हैं, उसकी तरकीबें, जिसमें से खूबसूरत चाल है प्रेम की चाल, वो भी उसको सामने रखते हैं। और ये तीन नाटक हैं, चंदा बेडनी जो 1986 में लिखा गया, अमली जो 1984 में लिखा गया, और बहु जो 1981-84 में लिखा गया। मैं बात करूंगा चंदा बेडनी की। ये नाटक 2005 में काफी समय बाद प्रकाशित हुआ, 20 साल बाद। इस नाटक का महत्व यह है, ये एक बेडनी स्त्री की कहानी है। जो लोग हिंदी क्षेत्र से परिचित हैं वो लोग जानते हैं कि बेडनिया नाचने गाने वाली ऐसी औरतें होती हैं जिन्हें समाज
देह के पेशे की ओर भी धकेलता है, या वो भी उसका एक काउंटर पार्ट होता है। शहरी अभिजन समाज में जैसे एक जमाने में कोठे वालियां हुआ करती थी, जैसे उमराव जान अदा आप यदि हाजरी मिर्जा रुस्वा का उपन्यास पढ़ते हैं, और तमाम कोठे वालियों का जो नाचती हैं गाती हैं और जो जिनके काम में देह का भी एक अनुबंध शामिल होता है, कई बार, हमेशा नहीं पर कई बार, ठीक उसी तरह जैसे शहरी अभिजन समाज में कोठे वालियां हैं, बाइयां हैं, ठीक उसी तरह ग्रामीण सामंती समाज में बेड़नियां हैं। ये बेड़नी जो शब्द है ये बुंदेलखंड का है, क्योंकि ये नाटक बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक हिस्सा है 11 जनपदों का, और लगभग 2 करोड़ आबादी है बुंदेली लोगों की। बेड़नी का संबंध उस बुंदेली समाज से है। और इस नाटक की बोली भी, ये नाटक बोली में लिखा गया है, यानी हिंदी और बोली में, खड़ी बोली और बोली में, एक ऐसे बुंदेली में। आपको याद होगा कि चंदा बेड़नी लिखे जाने के लगभग मैं समझता हूं 15 सालों बाद बुंदेलखंड से ही संबंध रखने वाली एक कहानीकार उपन्यासकार शरद सिंह ने एक छोटा सा उपन्यास भी बेड़नियों के जीवन पर लिखा था, लेकिन ये नाटक उससे बहुत पुराना है। तो एक नाचने गाने वाली और देह का व्यापार करने वाली एक स्त्री चंदा, उसे कोई आपत्ति नहीं इससे, वो बचपन से ही इस बात के लिए ट्रेन की गई है, अनुकूलित की गई है कि वो ऐसा करे। तो वो नाचती है जिसे बुंदेली में राई कहते हैं, राई नाच, गाती है राई गाना, ख्याल गाती है, और बड़े जिनके पास पैसे हैं हवेलियों वाले उनके यहां वो देह बंधन के लिए भी जाती है, देह व्यापार के लिए भी जाती है। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है, माधवी में आप देखेंगे कि राजसत्ता का चरित्र बहुत स्पष्ट ढंग से सामने नहीं आता, या वो लगभग साइलेंट है। 3-3 राजा आते हैं और ययाति खुद राजा हैं, लेकिन राजसत्ता कैसे गुलाम बनाती है और पितृसत्ता को मदद करती है, इसका कोई बहुत स्पेसिफिक उल्लेख माधवी में नहीं है, ध्रुव स्वामिनी में है। और चंदा बेड़नी सवाल को दोबारा उठाता है नाटक, राजसत्ता स्त्री का कैसे शोषण करती है, वो कैसे हमेशा सुंदर और लोग कलावंत स्त्री को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है, और अपने लिए इस्तेमाल ना होने पर वो कैसे उसे उसकी हत्या तक करने से नहीं चूकती, ये सवाल उठाते हैं अलकनंदन। राजा, रानी, सेना, पुरोहित, ये सब मिलकर राज परिवार के हित के लिए ही 3 दिन का असाध्य काम नाचने के लिए गई हुई चंदा बेड़नी की षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर देते, और इस हत्या के लिए वो चुनते हैं एक दलित को, एक मोची को, जो अपने चरित्र व्यक्तित्व से बहुत ईमानदार है, और जिसे चंदा और उनका कुनबा यानी बेड़नियों का कुनबा संत की तरह मानता है। ऐसे मोची के ऊपर दबाव डालकर वो रस्सी कटवाई जाती है रापी से, जिस रस्सी पर 3 दिनों से चंदा नाच रही है, और अंततः चंदा की मृत्यु हो जाती है। ये जो षड्यंत्रकारी गठबंधन है पुरोहितों का, ऊंची जात वालों का, ऊंचे वर्ण वालों का, सेना का और राजा का, ये गठबंधन विडंबना, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसे अलकनंदन उठाते हैं, कि स्त्री के पितृसत्ता के साथ संघर्ष करती हुई स्त्री को का दमन करने के लिए उसकी हत्या के लिए चुना जाता है एक दलित।
आप देखेंगे कि दलितों का और पिछड़ों का ब्राह्मणवाद ने, आधुनिक ब्राह्मणवाद ने और आधुनिक सांप्रदायिक फासीवादी शक्तियों ने पिछले 30 सालों में जैसा उपयोग किया है, यानी जो दंगे हुए, दंगे होते हैं, उन दंगों में इन दोनों लोग, इन दोनों समुदायों को आगे बढ़ चढ़कर सामने रखा जाता है। सांप्रदायिक हत्याओं में इन दो समुदायों को सामने रखा जाता है और उनके माध्यम से हत्याएं कराई जाती हैं। ये जो रणनीति है, इस रणनीति की तरफ शायद पहली बार किसी का ध्यान जाता है, अलकनंदन का ध्यान, जब वो ये सवाल उठाते हैं कि चंदा बेडनी की हत्या के लिए रानी और सेना और पुरोहित किसे इस्तेमाल करते हैं, एक बहुत ही न्यायप्रिय और संत माने जाने वाले एक मोची को। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, इसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण समाज के भीतर काम करने वाली सामंती पितृसत्ता को, फ्यूडल पेट्रियार्की को समझने के लिए, जैसे आप आगे चलकर उपन्यास देखते हैं, मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास इदन्नमम या चाक या अलमा कबूतरी, ये जो फ्यूडल पेट्रियार्की है, ये जो सामंती ढांचा है पितृसत्ता का, उस सामंती पितृसत्ता का सवाल उठाते हैं अलकनंदन बहुत ही गहराई के साथ। जो तीसरा नाटक है जिसे मैंने आज बातचीत के लिए चुना है, वो है ऋषिकेश सुलभ का अमली। वो भी सामंती पितृसत्ता का सवाल उठाता है। बेड़निया लगभग दलित ही होते हैं, शूद्र, और अमली जो चरित्र है वो भी एक शूद्र हरिजन मजदूर औरत है, और उसका शोषण जो दो लोग करते हैं, दैहिक शोषण और मनुष्य के रूप में शोषण, और अंततः दैहिक शोषण करने के बाद उसे एक चरित्रहीन स्त्री निरूपित किया जाता है और उसे गांव से बाहर निकालने का फरमान जारी कर दिया जाता है। तो ये जो ग्रामीण समाज के भीतर ताकतवर ऊंचे वर्णों और ऊंची जातियों और बड़े किसानों और जमींदारों के माध्यम से चलने वाली ये जो सामंती पितृसत्ता है, इसके सवाल को ऋषिकेश सुलभ बहुत प्रमुखता से उठाते हैं। चंदा बेड़नी यदि बुंदेली स्वांग शैली में लिखा गया है, तो अमली को ऋषिकेश सुलभ ने बिहार की विदेशिया शैली में लिखा है, वो शैली जिस पर बिहारी ठाकुर ने पहले नाटक लिखे थे। तो दलित और स्त्री का सवाल जैसे चंदा बेड़नी में उठाते हैं, अलकनंदन, वैसे ही दलित स्त्री का सवाल उठाते हैं ऋषिकेश सुलभ अमली में। आप जानते हैं कि पिछले लगभग एक दशक से हिंदी में दलित स्त्रीवाद की बात हो रही है। पहले दोनों अलग अलग, दलित विमर्श और स्त्री विमर्श का लेखन अलग अलग चल रहा था, लेकिन बाद में दलित लेखिकाओं ने और दलित लेखिकाओं के पैरोकार और दलित स्त्रियों के पैरोकार कुछ पुरुष युवकों ने दलित स्त्रीवाद चलाया। यदि दलित स्त्रीवाद के कोण से देखना हो तो चंदा बेड़नी और अमली, ये दो नाटक बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो दलित स्त्रियों के सामंती पितृसत्ता द्वारा किए जा रहे शोषण को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उठाते। ये नाटक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शायद हिंदी का इकलौता नाटक है जो हमें बताता है कि ये जो ग्रामीण जगत में फ्यूडल पेट्रियार्की है, सामंती पितृसत्ता है, ये सिर्फ हिंदू कहे जाने वाले लोगों में नहीं है, बल्कि मुसलमानों में भी। इसलिए हिंदू सामंत जैसे अपने गरीब शूद्र दलित कामगारों का, मजदूरों का शोषण करता है,
उनके साथ तरह तरह के धोखे और छल प्रपंच करता है। ठीक वैसे ही मुसलमान जमींदार और भूस्वामी भी मजूर का और मजूर स्त्री का दैहिक शोषण करता है। यानी हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है, पूंजीपति हिंदू हो या मुसलमान, सामंत हिंदू हो या मुसलमान, जमींदार भूस्वामी हिंदू हो या मुसलमान, हत्यारा हिंदू हो या मुसलमान, सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाला हिंदू हो या मुसलमान, उसकी नीति वही होती है। इसलिए ये जो फ्यूडल पेट्रियार्की है, जो पितृ सत्ता है, उसमें मुसलमानों का भी हिस्सा है। हम जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट लोग हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी, वे अक्सर ऐसे कठिन सवालों पर बात करने से बचते हैं, खासतौर पर पिछले 30 वर्षों में। लेकिन ऋषिकेश सुलभ का यह नाटक इस सवाल को भी महत्वपूर्ण ढंग से उठाता है। यदि अमली का शोषण महादेव करते हैं जो हिंदू जमींदार भूस्वामी है, तो अबरार खां भी करता है जो पठान मुसलमान भूस्वामी जमींदार है, और इन दोनों का भागीदार है एक तीसरा, एक वकील, एक मुंशी। इसलिए ये नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। विदेशिया शैली में लिखा गया है, बहुत सारे गीत हैं, जैसा कि चंदा बेड़नी में है, पर चंदा बेड़नी और अमली में एक फर्क है। अमली अपने शोषण के विरुद्ध लगभग कोई प्रतिरोध व्यक्त नहीं कर पाती, वो सहती है, इसलिए उसका दुख तो है, और वो भी कम महत्वपूर्ण। यदि कोई लेखक प्रतिरोध और विद्रोह को व्यक्त नहीं करता, वो सिर्फ दुख और यातना को व्यक्त करता है, तो भी वो कम महत्वपूर्ण लेखक नहीं है। लेकिन चंदा बेड़नी में जो बेड़नी का चरित्र है, वो बहुत ही ताकतवर है, और वो किसी भी अवसर पर किसी भी सत्ता के सामने कोई अनुचित बात बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए बेड़नी चंदा राजा से भी बराबरी से बात करती है, और उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देती है, उसके प्रेम के जो अंतर्विरोध है उनको खुलकर बयान करती है। वो यदि ब्राह्मणों और पुरोहितों के अंतर्विरोधों पर भी खुलकर बात करती है, तो वो रानी और तमाम दूसरे ताकतवर लोग, समाज के ताकतवर पुरुषों के विरुद्ध भी, वो बहुत ही कद्दावर औरत है, जैसे ध्रुव स्वामिनी है, जैसे धनिया है। प्रेमचंद के उपन्यासों में ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं, जैसे धनिया है, एक गृहस्थन होते हुए जैसे धनिया है, वैसे बेड़नी होते हुए चंदा है। लेकिन अमली इस तरह का कोई भी प्रतिरोध सामने नहीं रख पाती, वो विवश है, वो सहती है, कहना बहुत ही गंभीरता से ऋषिकेश सुलभ ने चित्रित किया है। और आखिरी नाटक जिस पर मैं बात करके आज की बात खत्म करूंगा, क्योंकि शायद थोड़ा वक्त बातचीत के लिए, संवाद के लिए भी देना होगा, और वो त्रिपुरारी शर्मा का नाटक है बहू। इससे पहले कि मैं बहू पर बात करूं, एक और बात कह देना जरूरी समझता हूं। माधवी, अमली, बहू, चंदा बेड़नी को देखें तो ये चारों के चारों नाटक जो स्त्री शोषण का या पितृ सत्ता के रूपों की या पितृ सत्ता के नीचे पिसती हुई स्त्री के जिन शोषण की प्रक्रियाओं की बात करते हैं, वे सारे के सारे अनाधुनिक हैं, यानी आधुनिक पूर्व हैं। आधुनिक स्त्री के समक्ष पितृ सत्ता कौन सी चुनौतियां लेकर आई है? पूंजीवादी आधुनिक पितृ सत्ता कैसे स्त्री का शोषण कर रही है? यानी स्त्रियों को काम करने की आजादी मिली है, सो कॉल्ड आजादी, वे घर से बाहर निकल सकती हैं जैसे पहले नहीं निकल सकती थी, वे अपनी इच्छा से अपना पति या प्रेमी चुन सकती हैं जैसा शायद पहले आसान नहीं था,
वो विवाह के बाहर जाकर भी प्रेम कर सकती हैं, ये तमाम बातें हैं। लेकिन इसके बावजूद पितृसत्ता बहुत ही सूक्ष्म ढंग से, आधुनिक पितृसत्ता स्त्रियों का, स्त्रियों को द्वयम दर्जे की नागरिक बनाए रखती है और वो पितृसत्ता के बनाए ढांचे में स्त्रियों को ढालती है। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि समकालीन हिंदी नाटकों में थोड़ी बहुत संकेत भले ही नाटकों में कहीं कहीं है, जैसे कि समकालीन नाटक से पहले मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में कुछ बातें, रमेश बख्शी का नाटक है देवयानी का कहना है उसमें कुछ, त्रिपुरारी शर्मा का ही एक नाटक है अक्स पहेली, ये जो मॉडर्न पेट्रियार्की जिस तरह का शोषण करती है और जिसके बारे में बहुत खूबसूरत उपन्यास लिखे गए हैं, लेकिन कोई नाटक मॉडर्न पेट्रियार्की को डिफाइन करता हुआ, मॉडर्न इंडियन पेट्रियार्की को, आधुनिक भारतीय पितृसत्ता को डिफाइन करता हुआ, उसके शोषण की नई तकनीकों के बारे में बात करता हुआ, उस तरह का कोई बड़ा नाटक नहीं लिखा गया है जैसा कि ध्रुव स्वामिनी है, माधवी है, अमली है या चंदा बेरनी। बहु एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है क्योंकि यह माधवी की तरह अपर क्लास की, उच्च वर्ण की एक स्त्री के शोषण की कथा कहता है। लेकिन ये अमली और चंदा बेरनी से इस रूप में मिलता है कि ये ग्रामीण पितृसत्ता द्वारा जो शोषण है, यानी जो पैटर्न है शोषण का, वो लगभग वही है जो चंदा बेरनी और अमली में है, यानी ग्रामीण सामंती पितृसत्ता, वही बहू में भी। और यहां उस सत्ता के प्रतिनिधि हैं परिवार के लोग, क्योंकि शोषक कहीं से बाहर से नहीं आया। आपको ध्यान देना होगा कि चंदा बेरनी में और अमली में शोषण परिवार के लोग नहीं करते, इसलिए शोषक बाहर से आता है। लेकिन बहु हमें यह बताता है नाटक कि स्त्री का दैहिक भावनात्मक शोषण कैसे परिवार करता है, यानी पितृसत्ता का जो सबसे ताकतवर हथियार है परिवार, वो करता है। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, पंजाबी में यह लिखा गया, पंजाबी मिश्रित हिंदी में लिखा गया है, जैसे कि चंदा बेरनी बुंदेली मिश्रित हिंदी में और अमली भोजपुरी मिश्रित हिंदी में लिखा गया, वैसे ही गीत बहुत सारे हैं चंदा बेरनी और अमली की तरह, जैसे चंदा गाती है अमली गाती है, इस बहू भी इस नाटक में गाती हुई आपको दिखाई देती है। लेकिन जैसे चंदा और अमली के सामने कोई रास्ता, वो पकड़ नहीं पाते उस छल को, और दोनों अंततः दो अलग अलग तरह से पराजित होते हैं। लेकिन बहू जो इस नाटक का मुख्य पात्र है, वो शोषण सहता है, अपने ढंग से चीजों को संचालित करने की कोशिश भी करता है, यानी बहू पितृसत्ता से शोषित होने के बावजूद, अपने पति और अपने देवर से शोषित होने के बाद भी एक रास्ता निकालने की कोशिश करती है, यानी जीने की कोशिश करती है। और अपने पति के रहते हुए, जिसकी बाद में हत्या कर दी जाती है, वो अपने देवर से प्रेम करने लगती है, जो अंततः उसके पति की हत्या करता है, और पति की हत्या के बाद भी ये प्रेम जारी रहता है। इसलिए थोड़ी टिपिकल है ये कहानी, इसे जो फ्रेम है, एक फ्रेम्ड ढांचे में इसे देखा नहीं जा सकता। वो जीने की कोशिश करते हुए, पितृसत्ता को भेदते हुए, खुद उसके अंदर रहते हुए ही अपने लिए रास्ता निकालने की कोशिश करती है, जैसे ध्रुव स्वामिनी करती है। रामगुप्त के रहते हुए चंद्रगुप्त के साथ बंधना या प्रेम करना यदि जायज है,
और यदि उससे स्त्री मुक्ति का कोई रास्ता खुलता है, आप कहते हैं, आप मानते हैं ऐसा, तो बहू भी वो रास्ता खोलती है अपने पति के रहते हुए अपने देवर रामदत्त से प्रेम करके। लेकिन रामदत्त बहुत थोड़े ही दिन बाद, जैसे गालो बदल जाता है, रामदत्त भी बदल जाता है। बहू का दैहिक शोषण करने के बाद, उमावती नाम है लड़की का, दैहिक शोषण करने के बाद ये बात जानते ही कि वो मां बनने वाली है, उससे निरंतर गर्भपात की सलाह देता है, बदनामी का डर दिखाता है, तरह तरह की रणनीतियां अपनाता है और इसी बीच में अपना विवाह कर लेता है। घुटती हुई, लड़ती हुई, संघर्ष करती हुई बहू अंततः इस परिवार से बाहर निकल जाती है। विवाह, परिवार और घर, इन तीनों को छोड़कर निकल जाती है बहू। और शायद यही वो रास्ता है पितृसत्ता के ढांचे में ढले हुए शोषण की कैद हो यदि परिवार और घर और विवाह और प्रेम। विवाह स्त्री को मुक्त करेगा इसकी कम उम्मीद है, परिवार स्त्री को मुक्त करेगा इसकी कम उम्मीद है, घर स्त्री को मुक्त करेगा इसकी कम उम्मीद है, शायद प्रेम स्त्री को मुक्त करे ऐसा हम सोचते थे, लेकिन पितृसत्ता के सांचे में ढला हुआ प्रेम भी स्त्री को मुक्त करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और इसीलिए अपने देवर से सच्चा प्रेम करने वाली और अपने देवर का सच्चा प्रेम पाने वाली उमावती यानी बहू एक विशेष परिस्थिति में, जबकि वो मां बनने वाली है, अब उस परिवार को छोड़कर बाहर चली जाती है और स्वतंत्र ढंग से मां बनने का और जीवन जीने का निर्णय लेती है। और इस निर्णय में उसे पहुंचाती है एक दूसरी स्त्री जो उसके पति की रक्षिता यानी रखेल रह चुकी है, और पति की मृत्यु के बाद जो पूरी तरह अकेली हो गई है, एक मजदूर औरत, अविवाहित होकर उमावती के पति से तीन बच्चों की मां बनने वाली औरत सड़क में काम करती है, मजदूरी करती है, अपने बच्चों को पालती है और अपना जीवन बिताती है। ये जो रास्ता है, यही रास्ता चुनती है बहू। ऐसा नहीं कि वो जो औरत, मजदूर औरत है, वो सिर्फ उसके पति की रखेल थी, बल्कि वो दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते थे। ये बहुत ही विडंबनापूर्ण बात है कि प्रेम करते 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 पुरुष मालिक हो जाता है और एक ऐसी स्त्री को जिससे वो प्रेम करता है उसे अपनी रखेल बना लेता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, बहुत ही जटिल मुद्दे हैं जिन पर बात करना बहुत कठिन है और जरूरी भी है। वो प्रेम करते हैं एक दूसरे से, यानी उमावती का पति और वो मजदूर औरत, लेकिन वो रखेल बनकर और फिर उसके पति की मौत के बाद एक स्वतंत्र स्त्री बनकर और मां बनकर जीवन जीती है। वहीं से रास्ता मिलता है बहू को, और अंततः उन्हीं मजदूरों के साथ जिस समूह में वो औरत रहती है, पति की पहली प्रेयसी और रखेल, उसी समूह के साथ वो घर से बाहर निकल जाती है। एंटी क्लाइमेक्स ये होता है कि उसका देवर जब अपनी वैध पत्नी से पिता बनने में अक्षम हो जाता है, तो उमावती यानी बहू को वापस घर लाने और जिसकी वो हत्या की कोशिश तक कर चुका है, वापस लौटा लाने के लिए जाता है, लेकिन बहू कुछ भी भूली नहीं है, इसलिए वो पितृसत्ता के नए छलावे में आने से, प्रेम के छलावे में आने से, पत्नी बनने के छलावे में आने से, कुलवधू बनने के छलावे में आने से बचती है, उस छलावे में नहीं आती और अंततः एक स्वतंत्र स्त्री होकर जीवन व्यतीत करती है। इस नाटक की एक बहुत महत्वपूर्ण खूबी यह भी है कि पेट्रियार्की
सिर्फ पुरुषों द्वारा बनाई गई और पुरुषों द्वारा चलाई जाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि स्त्रियां भी बड़ी संख्या में इसमें भागीदार हैं। पितृसत्ता की एजेंट, पितृसत्ता के द्वारा, पितृसत्ता द्वारा फेंके गए टुकड़ों पर पलने वाली औरतें, कमजोर औरतें जो खुद अपने जीवन में कोई व्यक्तित्व अपना नहीं बना सकती और पितृसत्ता के नियमों, बनाए हुए नियमों के सांचे में खुद को ढाल लेती हैं और अंततः उनका हथियार बनती। बहू के शोषण में और बहू की हत्या में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने की कोशिश करती हैं परिवार की दो बुजुर्ग औरतें जिन्हें हम सास कह सकते हैं, ग्रैंड मदर, सासें। और इस तरह परिवार की बहुत सारी दूसरी औरतें जो पितृसत्ता के सांचे में ढली हुई होती हैं, जो वही बात कहती हैं जो परिवार का पुरुष कहता है, मालिक कहता है, वो लज्जा की बात करती हैं, वो कोमलता की बात करती हैं, वो कुल का नाम नष्ट हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी उसकी बात करती हैं, डर दिखाती हैं और अंततः जहर देकर मार देने की कोशिश करती हैं। जैसे मीरा ने कहा था कि सास कहे कुल नाशी रे, सास मुझे कुल को नष्ट करने वाली कहती है। अंततः बहु नाटक की एक विशेषता यह है, उसका एक आंतरिक परत यह है कि ये फ्यूडल पे, रूरल फ्यूडल पेट्रियार्की, ग्रामीण सामंती पितृसत्ता में जो परिवार की के भीतर काम करने वाली जो पितृसत्ता है उसमें महिलाएं कैसे भागीदार हैं, कैसे वो शोषण करती हैं एजेंट के रूप में, और बड़े बड़े कारनामे यानी हत्या जैसा बड़ा कारनामा भी वे कर देती हैं परिवार के अंदर, इस सवाल को उठाती हैं। हम बहुत बार ये सुनते हैं कि औरत औरत के खिलाफ इस काम करती है। दहेज से जब औरतें मार दी जाती थी भारत में, अभी भी मार दी जाती हैं, तो कहते थे दहेज से मारता कौन है, सास और ननद मार देती है। और ऐसे बहुत सारी बातें हम सुनते आए हैं कि औरत औरत के खिलाफ है, इसलिए ये फर्क किया जाना जरूरी है। पितृसत्ता के सांचे में ढली हुई पितृसत्ता की एजेंट औरत जो उसके टुकड़ों पे पलती है या उस जिसका भरण पोषण पितृसत्ता के द्वारा होता है, वो कमजोर और एजेंट औरत, उसे अलग किया जाना चाहिए। और एक खुद मुख्तार पितृसत्ता के सांचे से बाहर जाती हुई औरत, ये औरत को फर्क करना चाहिए। जैसे सभी पुरुष पेट्रियार्कल नहीं होते हैं, पितृसत्ता की कैद से, पितृसत्ता के अनुकूलन से बाहर जाते हुए भी पुरुष होते हैं, वो खुद को, अपनी पर्सनालिटी को पितृसत्ता के सांचे से मुक्त करने की कोशिश करते हैं, उसमें अंतर्विरोध हो सकते हैं लेकिन वो सच्ची कोशिश करते हैं। इसलिए पितृसत्ता पुरुष सत्ता नहीं है और पितृसत्ता का विरोध पुरुषों का विरोध नहीं है, उनकी सामाजिक सत्ता का विरोध है, ये बात समझ लेना बहुत जरूरी है। और त्रिपुरारी शर्मा एक स्तर पर भीष्म साहनी, अलकनंदन और ऋषिकेश सुलभ के समानांतर खड़ी होकर और कुछ नए आयाम नाटक में जोड़ती हुई ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक लिखती है। वो जो त्रासदी और विवशता जो अमली में और चंदा वेणी में दिखाई नहीं देती, स्त्री अपनी विवशता को व्यक्त नहीं करती क्योंकि चंदा वेणी विवश नहीं है, वो धोखे से मारी जाती और अमली वो विवशता व्यक्त नहीं कर पाती, पर जैसे माधवी अपनी यातना को व्यक्त करती है, उस इलिनेशन को व्यक्त करती है, ठीक उसी तरह ये बहू भी उस यातना को लगातार व्यक्त करती है। इसलिए इस नाटक के संवाद बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही खूबसूरती से त्रिपुरारी शर्मा ने इस नाटक के संवाद लिखे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का जो लगभग पौने दो घंटे के इस व्याख्यान में आप सब मेरे साथ बने रहे। हालांकि लोगों की संख्या कम हो गई है, लोग चले गए हैं, शुरू में लोग ज्यादा थे, अब कम लोग हैं, लेकिन फिर भी जो लोग बचे हुए हैं और जो लोग आकर चले गए हैं उन सब के प्रति मैं धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने इन सभी चारों साथियों का, विशेष रूप से डॉक्टर शबाना हबीब और डॉक्टर सुमा ए का कि उन्होंने मुझे इस व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया और इतनी तरह की बातें आप सबसे करने का एक मौका दिया। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। वैसे आपने जो कहा वो सही है, काफी समय बीत चुका है। वैसे हम 45 मिनट्स चर्चा के लिए रखने की एक रीति थी, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है उतनी चर्चा नहीं चर्चा तो चलेगी, लेकिन फिर भी मुझे आपने नाटक की भूमिका से लेकर, नाटक के वो जो विकास से लेकर शुरू की और उसके बाद स्त्री मुक्ति का प्रश्न आपने जो लिया है, लेकिन मुझे प्रतीक्षा थी कि आप कम से कम एक महिला नाटककार के नाटक को भी लेंगे, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो जो विषय मैं सुमा जी मैं टोकना चाहूंगा कि चार जो मैंने नाटक लिए विश्व, उसमें माधवी, चंदा बेडनी और अमली तो पुरुषों द्वारा लिखे गए हैं, पर बहु नाटक त्रिपुरारी शर्मा जो स्त्री हैं उनके द्वारा लिखा गया है। एक नाटक मैंने लिया है, एक और नाटक मैं लेना, एक नाटक और मैं लेना चाहता था, नेपथ्यराज मीराकांत का लिखा हुआ नाटक, पर चूंकि मुझे जिन जिन मुद्दों पर बात करनी थी ये चारों नाटक ज्यादा बेहतर मुझे लग रहे थे, इसलिए मैंने उस नाटक को फिलहाल छोड़ दिया है। फिर कोई मौका आएगा तो मैं जरूर उस नाटक पर भी और भी कुछ नाटकों पर बात करना चाहूंगा। वो जो नेपथ्यराज की ही मुझे भी प्रतीक्षा थी और आपने जो बताया था वो सही है, वो तो त्रिपुरारी शर्मा की बहू ही मुझे इनमें अच्छा लगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि ये जो ध्रुव स्वामी से लेकर माधवी से होते हुए आपने जो बहु नाटक तक अपने पहुंचा, आज ये निर्णय होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, बताने वाली ध्रुव स्वामी और गालों को छोड़ने वाली माधवी और अंत में अपना घर छोड़ने वाली बहु, इन सभी में स्त्री की सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है कि वो जिसकी वो प्रेमिका है उसकी पत्नी नहीं बन सकती, और जिसकी वो पत्नी बन जाती है वो अजनबी रह जाती है, जो ये जो बात एक और अजनबी में मृदुला गर्ग ने भी जो बताया था। तो ऐसे में स्त्री मुक्ति कब तक, क्योंकि ध्रुव स्वामी के समय से लेकर आज ये बहू के समय तक ले लीजिए कि स्त्री ने मुक्ति कैसे पाई, अभी तक शायद मुक्ति नहीं पाई क्योंकि परिवार के अंदर अंदर वो आज भी संघर्ष कर रही है, वो संघर्ष करते हुए कैसे वो मुक्ति पा सकती है, यही तो शायद साहित्यकारों को लेने वाली मुद्दा जो यही है। बात आगे बढ़ाते हुए मैं एक प्रश्न यहाँ जो कमेंट बॉक्स में आ गया है वो मैं बताना चाहूंगी कि काफी लोगों ने, सुगीता जी ने, सुप्रिया जी ने, काफी लोगों ने पूछा है वर्तमान संदर्भ में स्त्री मुक्ति क्या है, तो यही मैं ये नाटकों के द्वारा आपको मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि वर्तमान प्रसंग में स्त्री मुक्ति क्या हो सकता है। आपका म्यूट है, आपका ओडी जी माफ करेंगे, मैंने अपनी बातचीत के क्रम में बहुत ही विस्तार से भारतीय पितृसत्ता के बारे में बात की, नाटकों के माध्यम से बात की क्योंकि वैचारिक बात करने का इतना अवसर नहीं था, लेकिन हमारे समाज में जो पितृसत्ता काम कर रही है, यानी स्त्री को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वाली, स्त्री को गुलाम बनाने वाली, उस स्त्री को उसकी रचनात्मकता, निजता और वैयक्तिकता से वंचित रखने वाली, स्त्री को स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा से वंचित रखने वाली, यहां तक कि कई बार स्त्री को उसकी आत्मा और उसकी दैहिकता से वंचित रखने वाली जो पितृसत्ता है वो एक कॉम्प्लेक्स पितृसत्ता है, एक जटिल पितृसत्ता है, और इसलिए मुक्ति का रास्ता भी इसी से, इस सब पितृसत्ता से संघर्ष करते हुए ही निकलेगा। मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक ये बात कही कि भारतीय पितृसत्ता एक गठजोड़ पर कायम है, धर्म सत्ता, राज सत्ता, समाज सत्ता का आपस में गठजोड़ है, और जो पितृ सत्ता के साथ गठजोड़ है, और ये सारे के सारे, यानी धर्म सत्ता भी, राज सत्ता भी और समाज सत्ता भी, पितृ सत्ता की मदद करते हैं स्त्री को गुलाम बनाने में और शोषण प्रक्रिया में भागीदार बनाने में, इसलिए स्त्री मुक्ति का रास्ता खुलता है पितृसत्ता से मुक्त होकर। सामंती, ब्राह्मणवादी, आधुनिक पूंजीवादी पितृसत्ता से मुक्त होकर। बहुत बार ऐसा
लोग सोचते हैं कि आत्मनिर्भर होकर शायद पितृसत्ता से मुक्त हो जाती हैं औरतें। मैं इस धारणा को नहीं मानता। नौकरी करती हुई औरतें बहुतायत बार वैसी ही गुलाम होती हैं, वैसे ही दोयम दर्जे की नागरिक होती हैं जैसे नौकरी ना करने वाली औरतें। इसलिए आत्मनिर्भरता एकमात्र पहलू नहीं हो सकता। और मैं जरूरी समझता हूं आत्मनिर्णय का अधिकार, अपने जीवन के बारे में प्रत्येक निर्णय करने का अधिकार अंततः स्त्री को मिलना चाहिए। क्या पढ़ेगी, किसके साथ रहेगी, विवाह करेगी या नहीं करेगी, विवाह करेगी तो किसके साथ करेगी, विवाह करने के बाद पति के साथ कैसे रहेगी, प्रेम करेगी किससे करेगी, एक ही प्रेम से जीवन भर बंधी रहेगी यदि, या यदि प्रेम भी बंधनकारी लगने लगे, पितृसत्तात्मक लगने लगे तो प्रेम को छोड़ देगी और बिना हिचक के बिना डरे वो दूसरे प्रेम की दिशा में आगे बढ़ेगी। ये सारे के सारे निर्णय, मां बनेगी या नहीं बनेगी, पति के साथ घर में रहेगी या अलग घर में रहेगी, वो अपने पुत्रों की बच्चों की परवरिश कैसे करेगी, पुत्रों पुत्रियों की, इसमें भी उसका पति या पिता के साथ बराबर का भागीदार वो हो, क्या नौकरी करेगी, एक नौकरी करेगी या कई नौकरियां करेगी, कब नौकरी छोड़ देगी और कब दूसरी पकड़ लेगी, वो अपने समाज मोहल्ले में कैसा लोग होंगे, मोहल्ले का शासन कैसा चलना चाहिए, नगर पालिका का शासन कैसे चलना चाहिए, विधानसभा कैसी चलनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर शैलजा टीचर को होना चाहिए या दूसरे को होना चाहिए, मुख्यमंत्री पी विजयन होंगे या दूसरा कोई होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, सांसद कौन होगा, राजनीति कैसे चलेगी, हर मुद्दे पर उसकी राय होनी चाहिए। ये चैनल देखना है या ये चैनल नहीं देखना है। आत्मनिर्णय का अधिकार वो मूल बात है जिसे प्राप्त किए बगैर स्त्री मुक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। आत्मनिर्भरता आत्मनिर्णय के अधिकार तक हमें पहुंचा सकती है, वहीं वो कदम हो सकती है, लेकिन आत्मनिर्भरता अनिवार्य रूप से आत्मनिर्णय का अधिकार मिल जाने की गारंटी नहीं होती। बहुत सारी ऐसी विवाहित नौकरी पेशा, अविवाहित नौकरी पेशा स्त्रियों को मैं अपने अनुभव से जानता हूं जो नौकरी करने के बावजूद भी अपने जीवन के निर्णयों, अपने समाज के और अपने देश के निर्णय कर पाने में सक्षम नहीं है या उनकी कोई सुनता नहीं है या उनसे कोई राय मशविरा नहीं है। इसलिए आत्मनिर्णय का अधिकार मूल अधिकार है, उसमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। इसलिए सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, शिक्षा होगी, आत्मनिर्भरता होगी, परिवार बनाने की स्वतंत्रता होगी, ये तमाम चीजें, समाज में न्याय होगा, ये सब चीजें जुड़कर बनाती हैं वो आत्मनिर्णय का अधिकार। जैसे लोकतंत्र आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा है, तो समाज में सामंती पितृसत्ता और आधुनिक पितृसत्ता के रहते हुए समाज में और परिवार में लोकतंत्र है कि नहीं है, ये इस बात से पता चलेगा कि स्त्री को आत्मनिर्णय का अधिकार है या नहीं है। 1947 से, अभी मैंने केरल के समाज की बड़ी तारीफ की थी शुरू में, पर आप उस विडंबना के बारे में सोचिए। 1952 से आप चुनते हैं विधायक और मुख्यमंत्री, लेकिन आज तक कोई महिला मुख्यमंत्री केरल की नहीं हुई, क्यों? जो समाज ज्यादा पेट्रियार्कल है जैसे बिहार,
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वहां महिला मुख्यमंत्री हो चुकी है, लेकिन केरल में नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो पॉलिटिकल भागीदारी है, राजनीतिक भागीदारी, उसमें कोई ना कोई अड़चन है। अभी एक बार हमने ऐसा देखा था अतीत में, मैं यदि नाम नहीं भूल रहा हूं तो शायद गौरियम्मा नाम था सीपीएम की लीडर का, जो शायद मुख्यमंत्री बन सकती थी, लेकिन वो नहीं बन सकी। इसलिए आत्मनिर्णय के अधिकार में निजी जीवन और पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन से लेकर राजनैतिक जीवन तक शामिल है। इसलिए मैं उसे बृहत्तर मायनों में देखता हूं, और विवाह कर लेने के, शिक्षा प्राप्त कर लेने के, नौकरी करने के अधिकार तक को ही उसे तक से ही उसे सीमित करके नहीं देखता। स्त्री का संघर्ष जारी है, वो प्रेमचंद के जमाने से, मालती और धनिया के जमाने से, मुन्नी और शोभा के जमाने से वो संघर्ष जारी है, और ये संघर्ष आत्मनिर्णय के लिए है। तो मैं समझता हूं कि स्त्री मुक्ति का कोई फिनोमिनन बनता है, मॉडर्न फिनोमिनन, तो उसका केंद्र बिंदु है आत्मनिर्णय का अधिकार। सुमा जी, मैं सुन रही थी आप जो राजनीति के मामले में भी बता रहे थे, जो काफी कुछ हमारे केरल से भी संबंधित है, तो मैं इसलिए चुन रही, क्योंकि हमने भी यही सोचा था कि जैसे कि ये जो कम्युनिस्ट मिनिस्ट्री जब आई थी, गौरियम्मा की डेथ जो अभी अभी हाल ही में हुई, तो क्यों वो मुख्यमंत्री नहीं बने। ये जो आपने जो कहा वो पैट्रियार्की है, अभी भी जितने भी हम आगे बढ़ रहे, हमारा मन बहुत विशाल है, सारी बातें हम कहेंगे, लेकिन फिर भी जब एक स्त्री आगे आ जाएगी तो फिर वो एक्सेप्ट करने में अभी भी वो पुरुष का मन पूरी तरह सन्नत या तैयार नहीं है। बिल्कुल, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी वो अलग बात है, उस समय शायद कोई नेता नहीं था, तो इसलिए तो वो अलग बात है। तो काफी प्रश्न इसमें आ गए हैं, लेकिन काफी लोग एक्सिट भी हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने इन प्रश्नों का फोटो तो ले लिया है, आपसे ये प्रश्न व्हाट्सएप में डालेंगे, यही सही लगेगा, क्योंकि जो 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, अभी तो 44 पीछे है, तो आप समय लेकर इसका उत्तर जरा आगे हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम इनको दे देंगे, तो मुझे लग रहा है कि वही अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी लोग तो सुनेंगे ही। हमारा अगला कार्यक्रम जुलाई 3 को है, तो हम उसमें ये जो कमेंट बॉक्स में इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, क्योंकि नाटक जो ऐसा विषय है, इस पर काफी कुछ खुला भी नहीं है, काफी कुछ अभी खुलने की बाकी भी है, तो ये एक सेशन में पूरा नहीं होगा, लेकिन आपने बहुत विस्तार से, क्योंकि एक हर एक प्रश्न का, हर एक मुद्दे का आपने विस्तार से जो बताया, उससे हमारा जो जानकारी भी काफी बढ़ी है, और आगे भी आपसे सुनने का मौका मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपने जो कहा त्रिवेंद्रम में आप अभी आए नहीं है, पर्यटक के रूप में ही आए हैं, अगर हो सके तो अगले साल ही हमारा अगले एकेडमिक ईयर में अगर कॉलेज खुले तो हम जरूर आपको बुलाएंगे, क्योंकि नाटक पर जो संवाद जो है, हमारे काफी बच्चे शोध भी कर रहे हैं नाटक पर, लेकिन रंगमंच के आधार पर ये जो भी समस्या हम लेंगे वो रंगमंच के आधार पर भी कैसे देखा जाना चाहिए, कैसे उसे एड्रेस करना चाहिए, इन सभी पर एक सेशन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जो विस्तृत सेशन के लिए। हम जो है अपना जो नंबर जो है, हाँ जी, मैं बस एक बात कहूं इससे पहले कि आप कार्यक्रम को समाप्त करें। अभी चूंकि आपने श्रीमती इंदिरा गांधी का जिक्र किया, तो एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि यूरोप और अमेरिका से पहले एशियाई मुल्कों में स्त्रियां सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंची। दुनिया की पहली नेता श्री माओ भंडार नायके थी, जो श्रीलंका में प्रधानमंत्री चुनी गई। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर यूरोप में पहली बार ब्रिटेन की
प्रधानमंत्री बनी, और फिर बाद में बेनजीर भुट्टो, सुकर्णो की बेटी इंडोनेशिया में, फिर अब म्यांमार में सुकनी, और ऐसे बहुत सारी स्त्रियां हैं। भारत में भी श्रीमती राबड़ी देवी या जयललिता या और दूसरे लोग मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व के सिलसिले में भी श्रीमाओ भंडार नायके सुकर्णो बेटी, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, इंडोनेशिया की पहली स्त्री प्रधानमंत्री, और श्रीमती बेनजीर भुट्टो के संदर्भ में, ये सारी की सारी औरतें राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखती थी, और एक तरह से ये पेट्रियार्कियल विरासत को आगे बढ़ा रही थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के पारिवारिक, जो उन्होंने जो क्रिएट किया था राजनीति में, वो खुद योग्य थी श्रीमती इंदिरा गांधी, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं, जैसे कि श्रीमती बेनजीर भुट्टो या दूसरी महिलाएं योग्य थी इसके कि वो नेता बनने के बाद उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भले ही नेहरू की तरह परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो परफॉर्म किया वो बहुत ऊंचे दर्जे का परफॉर्मेंस था। लेकिन ये एक तरह से राजनीति में जो पेट्रियार्की थी, पुरुषों द्वारा बनाई गई जो राजनीतिक जायदाद थी, उस पर ही ये स्त्रियां आगे बढ़ी। तमिलनाडु में जय ललिता जी का भी जो राजनीतिक कद था, वो अल्टीमेटली एमजी रामचंद्रन जी द्वारा खड़ा किया गया राजनीतिक उत्तराधिकार था, जिसे परिवार के भीतर से कोई नहीं उभरा और जिसे जयललिता जी ने आगे बढ़ाया। तो पॉलिटिकल पेट्रियार्की या पेट्रियार्की कैसे पॉलिटिकल फील्ड में काम करती है, और वो कैसे, जैसे जमीन अपने बेटे को दी जाती है, जैसे संपत्ति अपने बेटे को दी जाती है, उसी तरह ये राजनीतिक विरासत भी अपने बेटों को दी जाती है, और जब कोई योग्य बेटा नहीं होता तो वो फिर बेटियों को दे दी जाती है। ये जो कंट्रडिक्शन है, इसलिए ये औरतें तमाम रूप से स्वतंत्र और महान होने के बावजूद एक सीमा में बंधी हुई, ये बात समझना, मतलब मैं इस बात को स्पष्टीकरण करना चाहता था। धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी होगी त्रिवेंद्रा माँ के जब भी आप आमंत्रित करेंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। अब हमारी औपचारिकता है कि इस व्याख्यान माला की औपचारिक कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मैं शबाना जी को आमंत्रित करना चाहूँ। सबको मेरा नमस्कार। आज का दिन इतना ही सुंदर बन गया क्योंकि लगातार दो खंडे से हम नाटक के बारे में सुन रहे हैं। मैंने तो आशीष त्रिपाठी जी के जो व्याख्यान जो है फेसबुक लाइव पे दो तीन बार सुना था, तो तब मुझे लगा अपने बच्चों के लिए आपको बुला के एक व्याख्यान क्यों न रखूं। तो इसी सिलसिले में मैंने आपका नंबर ढूंढ निकाला और आपसे संपर्क किया, तो आपने बिना हिचके इसके लिए सहमति भी दे दी। तो इसके लिए आपको मैं तहे दिल से अपने विभाग की तरफ से, कॉलेज की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। लगातार दो खंडों से हम जो चार नाटकों को लेकर आपने बखूबी से पितृसत्तात्मकता से लेकर जो नारी की मुक्ति का प्रश्न के बारे में बताया है, तो इसलिए यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के लिए ये बहुत ही लाभान्वित तो जरूर होंगे, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं। तो अच्छे व्याख्यान है ऐसा जो YouTube में चल रही है, ये Facebook पे मुझे आज आश्चर्य यही हो रहा है कि जो हमने 1.5 आवर के एक प्रोग्राम में जो है बीच में सभी लोग छूट जाते हैं, लेकिन इसमें जो है YouTube में मैंने बीच में देखा तो वहां पर भी बहुत सारे लोग अब भी देख रहे हैं और Facebook पे भी देख रहे हैं, और फिर कुछ ये नेट के इश्यू के कारण बहुत सारे लोग इसमें से छूट भी गए हैं। फिर भी हो, जो भी हो, तो आपका व्याख्यान हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसके लिए आपको मैं अपने छात्रों की तरफ से और यहाँ पर मौजूद सभी की तरफ से एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। इसमें जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मेरे मदद करने वाले प्राचार्य महोदया और हमारे विभागाध्यक्ष बिंदु वलसार जी के प्रति भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और उसके सुचारू ढंग से संचालन करने वाली सुमा जी के प्रति भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसमें जो भी प्रतिभागी लोग हैं, आपके कारण ही ये जो मंच इतने ही सफल हुए हैं, आप सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते, फिर हम मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद सर। ओके,